आपको समर्पित करते हैं आपके हाथों में। हम और अधिक अपनी आत्मा को, अपने प्राण को, अपनी देह को आपके हाथों में सौंपते हैं और निवेदन करते हैं स्वामी। जैसा यमुना इस बात को कह पाता है कि प्रभु मैं घटूं और तू बढ़े, बिल्कुल स्वामी ऐसा होने दीजिए कि आपकी उपस्थिति में हम और अधिक घटते चले जाएं और हमारे जीवन में आप बढ़ते चले जाएं। हम यीशु के नाम में इस अनुग्रह को अपने लिए चाहते हैं। होने दीजिए हमारी सोच घटती चली जाए, हमारा शारीरिक स्वभाव घटता चला जाए और हम जैसे तेरी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है, हम उस भरपूरी को महसूस कर सकें। और सारी बातों के लिए अपने आप को तेरे समीप खो देते हैं। और तू हमारा चरवाहा है, तू हमारा अगुवाई करने वाला पिता है, तू हमारे साथ रहता है। तो हम उस बात को और अपने शरीर में अनुभव कर सकें। प्रभु बस अनुग्रह सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम में करें, आमेन। सीख रहे हैं। पिछले सप्ताह हम लोगों ने सीखा कि परमेश्वर के लोग जिनका जिक्र बाइबल में पाया जाता है, वे सब के सब प्रार्थना करने वाले लोग थे और उनका बहुत सारा समय प्रार्थना में बीतता था। और उसी प्रकार हम लोग भी परमेश्वर के लोग हैं जिनका जिक्र, जिनका नाम बाइबल में नहीं पाया जाता। हो सकता है आप में से किसी का नाम पाया जाए, मेरा नाम उसमें नहीं पाया जाता,
कोई बात नहीं, लेकिन मैं परमेश्वर का जन हूं, इसमें कोई शक की बात नहीं। सो हम उनके उदाहरण को लेकर अपने जीवन में उसको देखते हैं कि जिस प्रकार उन्होंने अपने जीवन को बिताया, हम भी उसी रीति से अपने जीवन को बिता सके। हम लोग इब्रानियों की पत्री में इस बात को लिखा हुआ पाएंगे, इब्रानियों की पत्री अध्याय 12, और वहां पर तो विश्वास करने वाले लोगों का जिक्र था जो पुराने नियम के थे, पर हम इसी उदाहरण को लेकर, इसी वचन को लेकर हम प्रार्थना करने वाले लोगों से अपने लिए उदाहरण, अपने लिए प्रेरणा ले सकते हैं। 11वां अध्याय जो है वो इस बात को बताता है कि पुराने नियम के जो लोग थे वो विश्वास किए, जबकि उस समय विश्वास करने का समय नहीं था, उस समय काम करने का समय था, उनके कामों के अनुसार उनको प्रतिफल मिलता था, लेकिन फिर भी विश्वास करना पड़ता था, और उन्होंने विश्वास किया और अच्छा प्रतिफल प्राप्त किया। तो उन्होंने पुराने नियम में रहते हुए विश्वास किया, तो हम नए नियम में रहने वाले लोग जिनको विश्वास करने के लिए बुलाया गया है, हम उनसे प्रेरणा लेते हैं। और इसलिए 12वें अध्याय में आते आते वो कहता है पहला पद में, इस कारण कि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े। गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए है, जिन्होंने विश्वास किया, विश्वास का प्रतिफल पाया, तो हम भी उस दौड़ में दौड़े, हम भी विश्वास की दौड़ में दौड़े और पीछे न रह जाए, भटक न जाए, ये यहां पर लिखा है। लेकिन इसी वचन से हम ये कह सकते हैं कि हम लोग भी उन्हीं लोगों की तरह हैं जिन्होंने कभी प्रार्थना किया। सो उन गवाहों का बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो हम उन गवाहों से प्रेरणा लेकर हर एक रोकने वाली वस्तु, उलझाने वाली बातों को दूर करके हम प्रार्थना में आगे जा सकते हैं। जब आप प्रार्थना करना आरंभ करेंगे, तो शुरुआत करेंगे जब, तो ऐसा नहीं होगा कि आप एकाएक बहुत देर प्रार्थना करने लगे, लेकिन जब आप उसको अपनी आदत बना लेंगे तो आप पाएंगे कि सबसे अधिक आनंद प्रार्थना करने में ही है। मेरे लिए भी ऐसे ही था, जब मैंने शुरू किया तो मुझे लगा कि ये तो बहुत कठिन काम है, ये दुनिया की सारी बातों से हटाकर अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख रखना है, अपने ध्यान को परमेश्वर के साथ में जोड़कर रखना, ये बहुत भारी बात है। लेकिन जब मैंने उस आदत को बनाने की कोशिश की, मैंने परमेश्वर के समीप समय बिताने की कोशिश की, मैंने उसकी गहराई को समझा, तो अभी मेरे लिए कठिन बात नहीं, अभी मेरे लिए आनंददायक बात है। जब मैं खाली बैठता हूँ, जब मेरे पास अवसर होता है, तो मैं आंखें बंद कर लेता हूँ और मैं प्रार्थना में चला जाता हूँ, मुझे वो अच्छा लगता है। वो आपकी आदत बन जाएगी, वो आपको अच्छा लगने लगेगा, उसको कोई आपको बाहर से करो करो करके नहीं कहेगा, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके भीतर से वो आएगा। लेकिन शुरुआत करनी पड़ेगी आपको, शुरुआत आप करेंगे तो सारी बातों को आप होते हुए देखेंगे। आज हम लोग एक दूसरे विषय पर जाएंगे, जहां पर हम प्रार्थना के विषय में सीखे थे। पिछली बार मैंने आपको बताया नहीं कि प्रार्थना क्या है, मैंने बस इतना कहा था कि प्रार्थना का अर्थ मांगना नहीं है, क्योंकि आमतौर पर तो प्रार्थना में हम लोग मांगते हैं। अब ऐसा क्या है जिसको आप हमेशा मांगते रहे, ऐसा कुछ नहीं। मांगते रहने वाली प्रार्थना समाप्त हो जाएगी जब आप अपने जीवन की जरूरतों को लिस्ट बनाएंगे और उसके बाद उन सूचियों को परमेश्वर के सामने पढ़ेंगे कि हे प्रभु, मुझे फलाना 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 चीज चाहिए, ईश्वर के नाम से आमीन, तो लिस्ट समाप्त हो जाएगा, कुछ देर में आपकी प्रार्थना बंद हो जाएगी, फिर आप क्या प्रार्थना करेंगे। तो दरअसल प्रार्थना मांगने का नाम नहीं है, मांगना भी, निवेदन भी प्रार्थना में आता है, लेकिन हम लोग प्रार्थना को जरा सा समझेंगे। हम लोग एक शब्द देखेंगे जो पुराने नियम में है, भजन संहिता की पुस्तक अध्याय 90 और उसका पहला पद, हम लोग उसको देखेंगे ई सोर्ट से या माई सोर्ट से, जहां पर उसका इब्रानी शब्द हम लोगों को दिखाया जाएगा। भजन संहिता की पुस्तक और उसका अध्याय 90 और उसके पद 1, मैं उस पद के विषय में आपको कुछ नहीं बताना चाहता हूं। वो भजन संहिता 90 मूसा के द्वारा लिखी गई, ये बताया जाता है, और उसने जो बातें वहां पर लिखी है वो प्रार्थना है। पहला पद तो कहता है कि हे प्रभु, तू पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारे लिए धाम बना है। लेकिन अगर आप अपनी बाइबल ढूंढकर खोल कर रखे हुए हैं, तो उसके ऊपर आप छोटा छोटा लिखा हुआ पाएंगे, जो इब्रानी भाषा में भी लिखा हुआ मिलेगा, और वो है
परमेश्वर के जन मूसा की प्रार्थना, प्रार्थना के लिए इब्रानी के बहुत सारे शब्द हैं, लेकिन जिस शब्द से मैं शुरुआत करना चाहता हूं वो इस परमेश्वर के जन मूसा की प्रार्थना के लिए जो इब्रानी शब्द है वो उससे हम शुरुआत करना चाहते हैं। माई सोर्ट या ई सोर्ट से डिस्प्ले कीजिए और भजन संहिता 90 और उसका पहला पद, उसमें आपको पहला पद में वो भाग भी लिखा हुआ मिलेगा, अ प्रेयर ऑफ मोसेस द मैन ऑफ गॉड, प्रेयर ऑफ मोसेस। जहां प्रेयर है वहां पे जो शब्द दिया गया है इब्रानी भाषा में वो शब्द है तेफिला, तेफिला। पिछली बार हमने स्तुति के लिए एक शब्द देखे थे इब्रानी भाषा में, वो था तेहिला। यहां पर प्रार्थना के लिए जो शब्द है वो है तेफिला, और जो तेफिला का अर्थ है हम उसकी गहराई में जाना चाहते हैं। जब आप इब्रानी भाषा के जानकार लोगों को पूछेंगे तो लोग इस तेफिला का तीन अर्थ बताते हैं कि तेफिला असल में क्या है और उस तेफिला के दरमियान में लोग करते क्या है। जब हम उस बात को समझ जाएंगे तो इस बात को भी समझ जाएंगे कि हम लोगों को तेफिला किस प्रकार से करना चाहिए, क्योंकि हम लोग उसी परंपरा से आते हैं जो इब्रानी भाषा बोलने वालों की परंपरा थी। वे लोग तेफिला करते थे, प्रार्थना करते थे, और उसके बाद एक समय आया जब यीशु मसीह आए उन्हीं के कतार में से, और यीशु मसीह भी बहुत सारी प्रार्थनाएं करते थे, यीशु मसीह भी तेफिला करते थे। हालांकि नया नियम तो इब्रानी भाषा में नहीं लिखा गया इसलिए उसमें तेफिला शब्द नहीं है, लेकिन यीशु मसीह उसी इब्रानी परंपरा से आते थे तो वे भी तेफिला करते थे। सो हम लोग भी उसी परंपरा से आते हैं, और आज हम कहते हैं कि हमें प्रार्थना करनी चाहिए, तो इसका अर्थ यही है कि हमको तेफिला करना चाहिए। प्रार्थना मतलब, प्रार्थना तो हिंदी शब्द है तो हिंदी में जो हम समझते हैं उसको हम करते हैं, लेकिन हमको उसके मूल इब्रानी में जाना चाहिए जहां से वो शब्द आ रहा है, जहां से वो बातें आ रही है। तो तेफिला, जब हम उस शब्द की गहराई में जाते हैं तो उसमें तीन बातें आती है। उसमें पहली बात है, हम लोग ई सोर्ट से इतना ही देखेंगे, तेफिला में पहली बात है जो वे करते हैं वह है आत्मनिरीक्षण। जो तेफिला है, जब वे तेफिला करते हैं तो तेफिला का जो समय होता है वो आत्मनिरीक्षण का समय होता है। वे अपने आप को देखते हैं, अपने आप को चेक करते हैं, अपने आप को जांचते हैं, अपने भीतर में देखते हैं। तो पुरानी इब्रानी परंपरा के मुताबिक वे सारे लोग अपने भीतर में देखते थे, क्योंकि उस समय तो परमेश्वर का वचन उनके सामने लिख दिया गया था, उनके हृदय में परमेश्वर का वचन नहीं था। तो जब भी वे अपने आप को देखते थे वचन से तुलना करके तो कुछ ना कुछ गलतियां पाते थे, तो उन गलतियों को देखते थे, अपने आप को जांचने की कोशिश करते थे कि मुझसे कहां पर गलती हो रही, कहां पर चूक हो गई, कहां पर पाप हो गया, कहां पर परमेश्वर ने जो कहा था वैसा नहीं हुआ, ताकि दोबारा ना करें। तो उन बातों को जांचते थे। हम लोग नए नियम में भी इस रीति से कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों को एक स्टैंडर्ड दिया गया, हम लोगों के लिए एक स्तर दे दिया गया कि हम वहां पर जिए जैसा यीशु मसीह जिया था। हालांकि सारे लोग वैसे नहीं जी पाते, लेकिन उसका मतलब यह नहीं कि परमेश्वर ने अनुग्रह किया है इसलिए इसी अवस्था में रहो, अनुग्रह का फायदा उठाते रहो। नहीं, हम लोगों का धुन यह होना चाहिए कि हम लोग उस स्टैंडर्ड में जिए जहां परमेश्वर चाहता है। तो हमको उसके लिए चेक करना पड़ता है कि कहां पर कुछ छूट रहा है, कहां पर कौन सी चीजें हैं जिसको और बेहतर तरीके से कर सकते थे। क्योंकि दिन भर में जब आप बहुत सारे कामों को करते हैं या सप्ताह भर में बहुत सारे कामों को करते हैं तो आप कुछ देर के बाद सोच सकते हैं कि किस काम को किस तरीके से किया जाता तो और बेहतर होता, कौन सी गलती वहां पर हो गई, कैसे इसकी शुरुआत हो गई, सो कहां पर मैंने उसको हवा दी और वो मुझ पर हावी हो गया। उन सारी बातों को सोचते हैं आत्मनिरीक्षण का समय। ये जो वचन हमने सीखा है उस वचन के मुताबिक हम देखते हैं कि उस वचन के स्टैंडर्ड के मुताबिक हमारा जीवन हुआ कि नहीं हुआ। उसने कहा है, वचन का स्टैंडर्ड का मतलब ये नहीं कि सिर्फ पाप मत करो, और भी बातें उसमें चली आती। उसका मतलब है जब वचन में कहा कि किसी भी बात की चिंता ना करो, और कई बार हम लोग चिंता करने लगते हैं। चिंता करना और काम करना दो अलग अलग बातें हैं। किसी काम को पूरा करने के लिए, किसी लक्ष्य को पाने के लिए हम लोगों को कुछ काम करना पड़ता है, हम उस काम को करते हैं वो अलग बात है, लेकिन उसके लिए जो चिंता करते हैं वो अलग बात है। सो अगर हम चिंता में जा रहे हैं इसका मतलब कि हम उस स्टैंडर्ड से चूक रहे हैं, तब तो कुछ और सुधार करने की जरूरत है, हमारे अंदर कुछ परिवर्तन ला, हमारे सोच में कुछ परिवर्तन लाने की जरूरत है, ताकि वो चिंता हम में रहे ही नहीं। जितना भी भारी दबाव हो, कैसी भी परिस्थिति हो, हम चिंता के बिना अपने सारे कामों को कर सकते हैं और उसमें सफल हो सकते हैं। यीशु मसीह ने कहा था, तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है जो चिंता करके
अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है। उसका जो शाब्दिक अर्थ था उसमें जाएंगे तो तुम्हें ऐसा कौन मनुष्य है जो चिंता करके अपने आप में एक बित्ता भी जोड़ सकता है। कि उसकी हाइट नहीं बढ़ रही है तो खूब चिंता किया, पता चले एक महीना में हाइट बढ़ गई। तो चिंता करके ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो कुछ कर सकता है? चिंता करके नुकसान ही होगा, फायदा नहीं। चिंता करके हम परमेश्वर के प्रति विश्वास में नहीं आएंगे बल्कि विश्वास से भी मुख हो जाए। चिंता करके हम संसार की तरफ चले जाए। उसी प्रकार और सारी बातें हैं जिस स्टैंडर्ड को परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है, हम उस स्टैंडर्ड से चेक करते कि कहां पर मिस हो रहा है। उसने कहा कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। सो ऐसा कई बार समय आ जाएगा जब हम अपने आनंद को चूक गए, जब किसी व्यक्ति ने कुछ कह दिया और हमारा जो आनंद था वो जाता रहा, हमारी शांति थी वो चली गई, सब कुछ चला गया, हम उस स्टैंडर्ड से चूक रहे जहां पर परमेश्वर ने हमसे कहा था। तो प्रार्थना का जो समय है, तेफिला का समय, आत्मनिरीक्षण का समय है कि हम किन बातों से चूक रहे हैं। पापों के संदर्भ में भी ऐसे ही है कि कौन से पाप हो रहे हैं। कहीं पर हमने किसी को बुरा कह दिया, कहीं पर किसी को नीचा दिखा दिया, कहीं पर किसी के लिए बुरा काम कर दिया, या कोई पाप जिसको परमेश्वर ने मना किया है वो हुआ, हम उसको चेक करते हैं। और चेक करने का उद्देश्य यही है कि हम उसको दोबारा नहीं करना चाहते, हम उसके प्रति सचेत होना चाहते हैं। और इसलिए परमेश्वर की उपस्थिति में जब बैठे हैं तो हम उन बातों को जांच रहे हैं। इब्रानी लोग इसी प्रकार से तेफीला करते थे। उसका पहला समय होता था आत्मनिरीक्षण का समय। लेकिन इसी आत्मनिरीक्षण के समय में हमारा एक दूसरा समय भी आ सकता है, क्योंकि उन लोगों को तो वो सुविधा नहीं दी गई थी जो हमको दी गई है। पुराने नियम के लोग, उनके तो हृदय में पाप था, लेकिन वचन तो पत्थर पे लिखा था, पुस्तक पे लिखा था, लेकिन हमारे तो वचन अंदर लिखा हुआ है। हम लोगों को तो नया मनुष्यत्व दिया गया है, हम लोग तो यीशु मसीह के साथ जीवते हैं, हम लोग तो एक नई सृष्टि है, हम लोग तो धर्मी ठहराए गए हैं, पवित्र किए गए, सिद्ध किए गए, सब प्रकार की आशीषों को भीतर रखते। तो ये जो आत्मनिरीक्षण का समय है, तेफिला का समय है, उस समय हम लोग इन चीजों को भी देखते हैं। वचन ऐसा आईना है जो दो प्रकार से दिखाता है। पुराने नियम में उसको लोग समझते नहीं थे, पुराने नियम में उनकी समझ अधूरी थी क्योंकि सब कुछ प्रकट नहीं हुआ था। उस समय जब भी आईना देखो तो हमेशा दाग धब्बे ही देखते थे, कहां गलती है, कहां कमी है, कहां सुधारना, यही देखते। अब जब नया नियम आ गया तो जब हम आईने को देखते हैं, जब हम नए नियम को देखते हैं, परमेश्वर के वचन को देखते हैं, तो हमारे पास देखने के लिए दो बातें हैं। वो हमारी कमी को भी दिखा सकता है और वो हमारी भरपूरी को भी दिखा सकता है। वो भरपूरी जो हमको यीशु मसीह में मिली, जिसको हम लोग इतने लंबे समय से सीख रहे थे। हमने सीखा कि किस रीति से उसने हमें किन किन आशीषों से परिपूर्ण किया। तो हम जब उस आईने को देखते हैं तो अपने आप को चेक करते हैं, हम अपने आप को देखते हैं कि वो बातें हम में हैं। क्योंकि आप दिन भर में बहुत सारे कामों को करते हैं और वो सारे काम परिस्थितियां आपको याद नहीं दिलाती कि आप धर्मी व्यक्ति, वो परिस्थिति आपको याद नहीं दिलाती कि आप पवित्र व्यक्ति, वो परिस्थिति आपको ये भी याद नहीं दिलाती है कि आप ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो चुके। बल्कि वो सारी परिस्थितियां सारे लोग मिलकर यही करेंगे कि आप में ये सारी बातें नहीं है, आप में नहीं है, तुम्हें पाप मनुष्य हो, तुम्हें दोषीदार हो, तुमको दंड मिलना चाहिए, तुम नालायक हो, हीन भावना से भर देंगे सारी बातें। तो हम लोग उन सारी भावनाओं से, उन सारी बातों से प्रभावित नहीं होना चाहते, हम उनको झटक देना चाहते। अब इसलिए प्रार्थना के समय में हम आते हैं और हम उन बातों को देखते हैं जो उसने हमें दिया है, हम उन बातों से अपने आप को तरोताजा करते हैं। क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारी प्रार्थना इस रीति से होनी चाहिए कि जब हम प्रार्थना करने बैठे और प्रार्थना करने के बाद जब हम उठे तो हमारे ताजगी का समय होना चाहिए। क्योंकि हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के साथ में बैठ के आए, उसके साथ हम समय बिता के आए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो मानो एक बोझ था, हमको बहुत भारी लगा प्रार्थना करना, बहुत हेडेक हो गया प्रार्थना करके, बहुत परेशान हो गया प्रार्थना करके। नहीं, हम लोग सबके स्रोत के पास आए हैं, परमेश्वर के पास में आए हैं, समाधान के पास में आए हैं। सो अगर कुछ बोझ भी था, कुछ दूसरी बातें भी थी, तो उस प्रार्थना के दरमियान सारी बातें चली गई, हम लोग वहां से तरोताजा होकर निकले, फिर दुनिया का सामना करने के लिए निकले, चीजों का सामना, परिस्थितियों का सामना करने के लिए निकले। तो इसलिए हम लोगों को अपने विश्वास को भी तरोताजा करने की जरूरत है। आत्मनिरीक्षण के समय में हम लोग अपने लिए एक बात को जोड़ सकते हैं जो पुराने नियम के इब्रानी लोग नहीं जोड़ पाए, और वो ये है कि
कि परमेश्वर ने जो हमारे लिए काम किया है और जो परिवर्तन हम में किया है, आत्मा में किया है, उसको हम फिर से रिन्यू करें, फिर से तरोताजा करें, फिर से हम उसकी जानकारी लें। हम लोग एक पद देखेंगे कुलुसियों की पत्री में, उसको हम लोग इंग्लिश में भी पढ़ेंगे KJV से, कुलुसियों की पत्री और उसका 3 अध्याय और उसके 10। यहां जब आप 3 अध्याय को देखते हैं तो वहां पर इस बात को याद दिलाया गया है कि हम लोग तो यीशु मसीह में मरे हुए में से जी उठे। इसलिए जो लोग संसार के लोग हैं उनके समान काम ना करें, और हमने जो जो कुछ पाया है उस बात को स्मरण रखें। और यहां पर लिखा है और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है। एक्चुअली 9वें पद से हम पढ़ेंगे तो लिखता है कि एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है। तुमने पुराने मनुष्यत्व को उतार डाला है, ठीक है। हम ये नहीं कहते कि हम उसको उतार रहे हैं, एक दिन हम उतार देंगे, एक दिन हम उसको छोड़ देंगे, हम ये नहीं कहते। हमने उसको उतार डाला है, कब? उसी समय जब हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया, उसी समय जब हमने यीशु पर विश्वास किया कि वो क्रूस पर हमारे लिए मरा, हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर ठोक दिया गया, उसी समय उतार डाला। और क्या किया है? और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। नए मनुष्यत्व को पहन लिया, ठीक उसी समय हमने पुराने मनुष्यत्व को उतार डाला। आपका अनुभव कुछ भी कर रहा, वचन ऐसे ही कहता है, और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, ठीक उसी समय जब हमने यीशु पर विश्वास किया। लेकिन ये जो नया मनुष्यत्व है वो उस ज्ञान के द्वारा तरोताजा होता है, रिन्यू होता है। अगर हम लोग इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे तो कहता है एंड हैव पुट ऑन द न्यू मैन, हमने नए मनुष्य को पहन लिया है, विच इज रिन्यूड इन नॉलेज आफ्टर द इमेज ऑफ हिम दैट क्रिएटेड, विच इज रिन्यूड इन नॉलेज। उस ज्ञान के द्वारा वो अपने आप को नवीनीकृत करता है, वो अपने आप को तरोताजा करता है। तो हम उस ज्ञान को छोड़ना नहीं चाहते, हम उस ज्ञान को अपना हिस्सा बनाकर रखना चाहते हैं, हम अपने आप को याद दिलाते रहना चाहते हैं, हम लोग उस नए मनुष्यत्व को तरोताजा करते रहना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि संसार का पुराना मनुष्यत्व हमारा पीछा करे, इसलिए हम चाहते कि नया मनुष्यत्व जिसको हमने पहन लिया है वो हमारे जीवन से बाहर आए। तो उसको हम प्रार्थना के दरमियान अपने आप को याद दिलाते हैं। हम कहते हैं कि परमेश्वर ने हमें धर्मी ठहराया, परमेश्वर ने हमें पवित्र किया है, परमेश्वर ने हमें सिद्ध किया है, परमेश्वर ने हमें सब प्रकार की आशीष दी है, मैं परमेश्वर के संतान हूं। हम लोग इन बातों को रिन्यू करते हैं, तरोताजा करते हैं, याद दिलाते हैं, ताकि ये बातें हम पर हावी हो जाएं। हम लोग सीखे थे एक समय, वचन में लिखा था कि जो स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, याकूब 1:25 में, जो स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है वो अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं, परंतु वैसे ही करता है। स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था अर्थात जो कुछ यीशु मसीह ने हमारे लाया उस पर जो ध्यान करता रहता है, तो ये जो ध्यान करने का काम है इसको हम प्रार्थना से अलग करके नहीं देखते, लेकिन ये जो ध्यान करने का काम है ये प्रार्थना का ही एक हिस्सा है। हम जब प्रार्थना करते हैं उस समय हम इन बातों का ध्यान करते हैं। हमारे भारत में बहुत सारे लोग ध्यान करते हैं, ध्यान की प्राचीन परंपरा है, लोग ध्यान के द्वारा अपने भीतर यात्रा करते हैं, अपने अंदर शून्य तक यात्रा करते हैं, जहां पर अपने आप को खो देते हैं, उनकी यात्रा का वही अंत। लेकिन जब हम लोग ध्यान करते हैं हम लोग उस रीति से ध्यान नहीं करते, हम लोग ध्यान करते हैं उन उस नए मनुष्यत्व पर जो परमेश्वर ने हमें दिया है। हम लोग देखते हैं कि उस नए मनुष्यत्व में सब कुछ परिपूर्णता से है, और हम देखते हैं कि हम वही नए मनुष्यत्व है जिसमें सारी परिपूर्णता है, उसमें यीशु मसीह निवास करता है, जिसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है, और उसमें हम भरपूर हो गए। वहां पर लिखा था कुलुसियों की पत्री में 2 अध्याय उसके 9-10 में, ये आर कंप्लीट इन हिम, हम लोग उसमें परिपूर्ण हो गए। हम उस भरपूर मनुष्यत्व को देखते हैं प्रार्थना के दरमियान, हम ध्यान करते हैं, और जब हम इस रीति से ध्यान करते हैं हम लोग धन्यवाद करते हैं। तो यह है आत्मनिरीक्षण का समय। अगर आप फिलिपियों की पत्री में देखें तो वहां प्रार्थना करने के लिए कुछ बातें कही गई हैं। फिलिपी 4वां अध्याय
और उसके पद 6। वहां पर इस प्रकार लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। हर एक बात में तुम्हारे निवेदन प्रार्थना और विनती के द्वारा, सारे ऐसा लगता है कि सारे शब्द तो एक ही है ना, निवेदन प्रार्थना विनती ये सब तो एक ही, लेकिन इन सब को अलग अलग इस्तेमाल कर। इसका मतलब निवेदन अलग है, विनती अलग है और प्रार्थना अलग, मतलब कम से कम कुछ अंतर तो उसमें है। तो लिखता है कि परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, हम परमेश्वर के पास निवेदन पहुंचाना चाहते हैं कि प्रभु आप ऐसा कीजिए। प्रार्थना को हम वही समझते हैं, हमारी जरूरत है इसको पूरी कीजिए, लेकिन ये निवेदन ऐसे ही नहीं जाना चाहिए। वो निवेदन तीन बातों के साथ में जाना चाहिए, प्रार्थना के साथ में जाना चाहिए, मतलब प्रार्थना में और भी बातें आती है, उस प्रार्थना के साथ में जानी चाहिए, और विनती के द्वारा भी जाना चाहिए। विनती अर्थात हम गिड़गिड़ाहट रखते हैं, और धन्यवाद के साथ में जानी चाहिए। तो हमारी प्रार्थना में एक चीज इंक्लूड होता है, वह धन्यवाद करना। हमारी प्रार्थना बिना धन्यवाद के साथ में परमेश्वर के सम्मुख नहीं जानी चाहिए, जा सकती है, लेकिन जो उत्तम तरीका है वह धन्यवाद के साथ जानी चाहिए। तो हम धन्यवाद करना चाहते हैं। तो इसी रीति से जब हम ध्यान करते हैं उन बातों पर जो परमेश्वर ने नए मनुष्य के रूप में हमें दिया है, तो हम उन बातों को सिर्फ न सिर्फ सोचते हैं, न सिर्फ हम उन पर ध्यान करते हैं, न सिर्फ विचार करते हैं, लेकिन हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु तूने इन बातों को मुझे दिया, कि तूने यीशु मसीह को क्रूस पर मेरे लिए मरने को दिया ताकि उसके द्वारा मुझे ये प्राप्त हो। प्रभु आपका धन्यवाद, हम आभार प्रकट करते हैं और इसको हर समय याद रखना चाहते हैं, क्योंकि हम जीवन भर कृतज्ञ बने रहना चाहते हैं, हम धन्यवाद करते हैं। तो आत्मनिरीक्षण के समय में हम इन सारे कामों को करते हैं। उसी प्रकार तेफिला जो शब्द था, इस तेफिला में एक और चीज है और वो है सेवा करना। जो इब्रानी भाषा बोलते हैं वे लोग तेफिला शब्द में तीन अर्थ निकालते थे, पहला आत्मनिरीक्षण का समय, दूसरा सेवा का समय। वे परमेश्वर की सेवा करते थे। पुराने नियम में जो प्रार्थना थी वो इतनी आसान नहीं थी जैसे हम लोग करते हैं। उस समय जब भी प्रार्थना होती थी तो एक बलिदान जरूर होता था। कोई कोई व्यक्ति बिना बलिदान के भी प्रार्थना किए हैं बाइबल में मिले, लेकिन प्रार्थना का जो तरीका था वो यही था कि वे लोग बलिदान थे। एक समय की बात है जब परमेश्वर ने शमूएल नबी से बातचीत की और उसको कहा कि इज़राइल का पहला राजा होने के लिए उन्होंने प्रार्थना की है, इसलिए शाऊल को अभिषेक कर दो। तो शाऊल को अभिषेक कर दिया गया, फिर उसको शमूएल ने भेज दिया, तो उसने कहा कि तुम जाओ। और जब वो राजा बन गया, उस समय फिलिस्ती लोग इज़राइल के लोगों को बहुत सता रहे थे, उनके विरुद्ध में युद्ध छेड़ रहे थे, तब उस समय उसका अभिषेक कर दिया गया और शमूएल ने कह दिया कि एक समय होगा जब मैं तुम्हारे पास आऊंगा और तब जाकर तुमको आगे का काम करना है, 7 दिन बीतने पर मैं आऊंगा, उसने कहा था। अब शमूएल चला गया, उस बीच शाऊल चला गया, परिस्थिति उस समय खराब हो गई। अब उधर फिलिस्ती लोग इकट्ठे होने लगे लड़ने के लिए, और इधर जो शाऊल था वो अपनी सेना लेकर तैयार हो गया, लेकिन सेना लेकर तैयार तो है लेकिन लड़ नहीं सकता क्योंकि अभी प्रार्थना नहीं की है। लड़ने से पहले प्रार्थना करनी जरूरी है, और शमूएल आ नहीं रहा है, प्रार्थना करे तो कैसे करे। तब फिर शमूएल आ नहीं रहा है और लड़ाई अब शुरू ही होने वाली, अगर प्रार्थना ना की जाए तो लड़ाई में तो हम लोग हार जाएंगे। तो शाऊल ने सोचा जब मैं राजा बन ही गया हूं तो क्यों ना मैं ही प्रार्थना कर लूं। तब उसने कुछ जानवर मंगाकर खुद ही बलिदान किया, बलिदान करके उसने प्रार्थना की, और जब वो ऐसा कर ही रहा था कि शमूएल पहुंच गया। शाऊल क्या काम कर रहा था, वो प्रार्थना कर रहा था ना? जो तरीका था उस समय दिया वो बलिदान के द्वारा लोग आते थे, लेकिन परमेश्वर के नियम के मुताबिक जो उन्हें दिया गया था बलिदान सब लोग नहीं चढ़ा सकते थे, लेवी वंश के लोग चढ़ा सकते थे या फिर वो जो जिनको परमेश्वर नियुक्त किया था। तो इसलिए शाऊल उस तरीके से प्रार्थना नहीं कर सकता था, दूसरे तरीके से, लेकिन शाऊल तो वही तरीका जानता था। और शमूएल आ पहुंचा और उसने कहा कि तूने क्या किया, शाऊल का जवाब यही होना चाहिए मैंने प्रार्थना किया।
और उसके दंड के रूप में उसको कहा गया कि अब राज्य तेरे हाथ से छीन लिया जाएगा और किसी दूसरे व्यक्ति को दे दिया जाए। परमेश्वर ने दूसरा व्यक्ति भी ढूंढ लिया है जो उसके मन के मुताबिक, अब दाऊद हो। उस शाऊल ने क्या गलती की थी? प्रार्थना किया था, जिसके कारण से उसको अपना राजपद खो देना पड़ा। तो पुराना नियम इतना आसान नहीं था। हम लोग बेहतर स्थिति में, हम लोग नए नियम में हैं, हम लोग कहीं भी प्रार्थना कर लेते हैं, लेकिन इतना स्मरण रखना चाहिए कि उस प्रार्थना में एक सेवा भी आती है। जो सेवा शाऊल कर रहा था बलिदान के द्वारा, वो कोशिश कर रहा था कि जैसे लोग करते, जैसे याजक लोग करते, मैं भी वो कर, क्योंकि जो परमेश्वर के जो मंदिर था या तंबू था शाऊल के समय, वो शीलो में था। अब लड़ाई दूसरे जगह में हो रही है तो वहां बलिदान चढ़ाने नहीं जा सकता है, तो इसीलिए याजक भी यहाँ उपस्थित नहीं है, वो तो तंबू में, तो यहाँ खुद ही बलिदान चढ़ा रहे हैं। लेकिन बलिदान चढ़ाने का नियम था बलिदान, परमेश्वर की उस प्रकार से लोग सेवा करते, तो हम भी सेवा करते हैं प्रार्थना के दरमियान। अब परमेश्वर की सेवा हम कैसे करेंगे? किसी मनुष्य की सेवा करना तो थोड़ा भी आसान है ना? मनुष्य को हम खिला सकते हैं, उसको हम पिला सकते हैं, उसको आराम करने का मन किया तो हम सुला सकते हैं, उसका हाथ पांव भी दबा सकते हैं, सेवा करने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं मनुष्य। लेकिन परमेश्वर की सेवा करें तो कैसे करें? अब वो भी प्रार्थना करके सेवा करनी, प्रार्थना के दरमियान सेवा करनी। तो वो ये नहीं सेवा है कि हम जाकर कहीं प्रचार करने लगे, नहीं, अभी हमको प्रार्थना करने का समय है। तो प्रार्थना में तो सेवा भी आती है, तो हम चलेगा और प्रचार करने लगे, सेवा भी यही सेवका ही कर रहे नहीं, ये ऐसी सेवा है जो हम परमेश्वर को अर्पित करें। और वो सेवा किस प्रकार से, उसको हम लोग पाएंगे रोमियो की पत्री और उसका 12वां अध्याय, रोमियो की पत्री अध्याय 12, वहां पर उसने इस प्रकार का पहला पद, रोमी 12 और उसका 1, यहां है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। अपने शरीरों को जीवित पवित्र भावता हुआ परमेश्वर को बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। तो हम सेवा करते हैं और सेवा के दरमियान हम अपने शरीरों को भी परमेश्वर के लिए दे देते हैं, कि हमारा शरीर आमतौर पर हम लोग अपने लिए यूज करते हैं, अपने व्यक्तिगत मकसद के लिए, अपने आप को लाभ पहुंचाने के लिए या फिर किसी दूसरे मनुष्य को लाभ पहुंचाने के लिए। लेकिन हम अपने शरीर को मानो बलिदान के समान अर्पित कर देते हैं। जब किसी जानवर का बलिदान चढ़ाया जाता था तो जानवर मनुष्य के उपयोग का नहीं रहता था, मनुष्य का उपयोग का जब तक रहता था तो मनुष्य उसको पालता था, पोसता था, उसका इस्तेमाल कर सकता है, खुद भी खा सकता है। लेकिन जब उसको बलिदान चढ़ा दिया गया तो वो परमेश्वर का हो गया। दो चीजें हो जाती थी बलिदान चढ़ाने के दरमियान, या तो वो होम बलि हो जाता था, उस जानवर को बलि करके पूरी तरीके से जला दिया जाता था, या फिर उसका दूसरा तरीका था, किसी किसी बलि प्रथा में ये था कि उसका कुछ मांस का हिस्सा याजक लोग खा लेते, मनुष्य को उपयोग का नहीं रह जाता था, वो परमेश्वर के उपयोग का हो जाता था और जैसा परमेश्वर चाहे अपने लोगों को नियुक्त किया उसको लोग उपयोग कर सकते हैं, लेकिन जिसने दिया उसके उपयोग का नहीं। उसी प्रकार जब हम अपने शरीर को बलिदान करके चढ़ाते हैं, उसका मतलब ये नहीं कि हम चाकू लेकर गला काट देते हैं, ना कोई कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए उसने कहा जीवित, जीवित चढ़ाना है, ठीक है। सबसे पहला शब्द यही है, अपने शरीरों को जीवित, मतलब कोई कंफ्यूज ना हो जाए कि अपने आप को मार डालो। आखिर तो अब्राहम भी अपना बेटा को बलिदान चढ़ा रहे, परमेश्वर आत्महत्या करने के लिए कभी नहीं बोलते। तो जीवित चढ़ाना मीन्स मार डालना नहीं, लेकिन ये शरीर उस अवस्था में हम परमेश्वर को दे दे रहे हैं कि अब ये मेरे लिए नहीं लेकिन तेरी महिमा के लिए होने पाए। मीन्स हम उस समय अपने आप को इस रीति से अर्पित कर रहे हैं कि प्रभु इस शरीर में जो हम जीवन व्यतीत करना चाहते हैं वो सिर्फ हम अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नहीं जीना चाहते, लेकिन वो जीवन हम तेरे लिए देते हैं, इसके द्वारा तेरी महिमा, इसके द्वारा तेरी स्तुति हो और तेरा गुण प्रकट होने पाए, है ना। उसने हमें ये राजपदधारी याजक हम लोगों को बनाया है, पवित्र प्रजा अपनी निज संपत्ति बनाया, और अंधकार में से हमें अद्भुत ज्योति में बुलाया ताकि हम उसके गुण को प्रकट करें। पहला पत्रस 2:9, है ना, हमें राजपदधारी याजक, चुनाव वंश, राजपदधारी याजक, याजकों का समाज,
और परमेश्वर की निज प्रजा है जिसने हमें अंधकार में से बुलाया है ताकि हम उसके अद्भुत गुणों को प्रकट करें, उसके गुणों को प्रकट करने के लिए। तो हमारा ये जो जीवन है, हमारा सब कुछ हम उस रीति से लेते हैं कि मानो ये परमेश्वर की महिमा के लिए। हमारा जो पढ़ना लिखना है उसको भी हम उसी रीति से लेते हैं कि ये परमेश्वर की महिमा के लिए होने पाए। ठीक है, जब आप उसको उस रीति से नहीं लेते हैं तो आप पढ़ने लिखने को भी केयर नहीं करें, तो उसके द्वारा क्या महिमा हो, तो अपना रोजी रोटी के लिए पढ़ रहे हैं, है ना। लेकिन जब आप उसको देखते हैं कि ये परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि मेरे पढ़ने लिखने के द्वारा भी परमेश्वर को प्रतिष्ठा मिले, तो हम उसके लिए मेहनत करें। हमारा जो नौकरी पेशा काम धंधा का जो काम है वो भी परमेश्वर की महिमा के लिए होने पाए, कि हम जो काम कर रहे हैं उसके द्वारा परमेश्वर को महिमा मिले। ठीक है, उसके द्वारा हम लोगों को कुछ पैसे मिल जाएंगे, लेकिन जब हम काम को कर रहे हैं तो हम यूं ही नहीं करेंगे कि ये काम है, उसको बोझ समझ कर नहीं करेंगे, हम उसको आनंद के साथ करेंगे, क्योंकि हम परमेश्वर को समझ के इस काम को कर रहे हैं। हम ये नहीं करेंगे कहेंगे कि वो हमारा बॉस है, उसको जवाब देने के लिए हम काम करें, नहीं करेंगे तो वो बोलेगा, वो हमको टोकेगा, हमसे पूछताछ करेगा, हिसाब मांगेगा, कारण बताओ नोटिस भेजेगा, हम उसके लिए नहीं कर रहे, हमको उसकी फिक्र नहीं। लेकिन हमने तो अपने आप को अर्पित कर दिया है, तो जो काम हमारे सामने पड़ा है हम उस काम को करते हैं परमेश्वर की सेवा समझ कर, और उस काम के द्वारा जो मकसद रखा गया था उस मकसद को पूरा करते हैं। कि मान लिया हम शिक्षक हैं तो पूरे जी जान से हम सिखाते हैं लोगों को, मान लिया हम डॉक्टर हैं तो हम लोगों का इलाज करते हैं अच्छे तरीके से, ये नहीं कि उनको देखते हैं कि ये आदमी जो आ गया इससे हम कितना रुपया कमा सकते हैं, है ना, आ गया उसको झटपट बिस्तर में सुलाओ, सलाइन चढ़ाओ और 5,000 रुपये का बिल बना दो। हम उसको पैसे के रूप में नहीं देते, हम उसको सेवा के रूप में देखते हैं कि इस व्यक्ति को हम बेहतर क्या दे सकते हैं। उसी प्रकार बाकी जो प्रोफेशन है, बाकी जो काम है, उसको भी उसी रीति से देख सकते हैं कि जो काम हमने किया वो काम टिका रहे, वो काम बना रहे, वो काम उसमें नुक्स ना निकाला जा सके, क्योंकि हम परमेश्वर के व्यक्ति हैं, हमने अपने आप अपने शरीरों को अर्पित कर दिया। अब वो काम जो हमने किया उसमें मीन मेक ना निकाला जा सके, है ना, वो तो जैसे तैसे काम कर देता है, कोई ना कर सके, वो मन लगा के करता है, सब कुछ अच्छे से करता है, उस पर सवाल नहीं उठाया जा सकता, जैसा दानियल करता था। दानियल 4 राजाओं के समय में रहा और राजाओं के समय में हमेशा ऊंचे पद पर रहा, और जब भी वो काम करता था परफेक्टली सब कुछ करता था, राज दरबार में हमेशा रहता, सरकारी नौकरी थी उसकी, सब कुछ बहुत अच्छे ढंग से करता था। और जो दारा राजा था उस समय बहुत सारे लोग उसे जलते थे, उन्होंने सोचा कि दानियल को कैसे नीचा दिखाया जाए, तो जरूर उसके काम में कुछ तो खोट होगा, तो खोट ढूंढा जाए और उस खोट के लिए उस पर इल्जाम लगाया जाए, उसको राजा से दंड दिलाया जाए। तो उन्होंने उसका खोट ढूंढने की कोशिश की, दानियल में क्या गलती है, तो उन्होंने कुछ भी गलती नहीं पाई, सिर्फ ये पाया कि ये तो प्रार्थना करने वाला इंसान है, इसके काम में कोई गलती नहीं है, राजा के प्रति ईमानदार है, अपने काम के प्रति ईमानदार है, अगर हम लोग इसको फंसा सकते हैं तो सिर्फ इसी बात में कि ये प्रार्थना करता है, नया कानून निकालो जिसमें प्रार्थना करना बैन कर दिया जाए, लेकिन ये तो करेगा और फंसेगा, बाकी किसी काम में इसमें दोष नहीं, ये उनकी अपनी गवाही थी इसलिए उन्होंने दूसरा योजना बनाई। उसी प्रकार हमारे साथ भी होना चाहिए कि हम जो काम कर रहे हैं वो हमारा काम परमेश्वर को महिमा दे, लोग जब हमारे जीवन को हमारे काम को वो लोग मूल्यांकन करें कि उसने किस प्रकार से काम किया, तो लोग कहें कि हाँ बेहतर काम किया, बेहतर काम किया, उसने सब बेस्ट काम किया, ऐसे ही काम करना चाहिए लोगों को, ऐसे ही उदाहरण पेश करना चाहिए। तो हम उस रीति से करते हैं, तो हम प्रार्थना के दरमियान अपने आप को अर्पित रखते हैं, हम अपने आप को स्मरण दिलाते हैं कि हम परमेश्वर की सेवा के लिए अपने आप को अर्पित कर रहे हैं। तो जब हम प्रार्थना के समय इन सारे कामों को कर रहे हैं तो जो बाकी जो प्रैक्टिकल काम होगा, जीवन का बाकी काम होगा, वो हमारा ऑटोमेटिक दुरुस्त हो जाएगा, कोई किसी को बाहर से कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारे ऊपर के अधिकारी को हमको डांटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारे नीचे के लोगों को शिकायत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन हम अपने काम को अच्छे ढंग से करें, क्योंकि हमने अपने आप को प्रार्थना के समय दिया है सेवा के लिए, हम अपने शरीर को जीवित और पवित्र और भावता हुआ बलिदान करके चढ़ा रहे। इसी सेवा के समय में हम लोग एक और काम करते हैं परमेश्वर के लिए, और वो भी बलिदान का ही एक हिस्सा है, इब्रानियों की पत्री और उसका 13वां अध्याय, इब्रानियों की पत्री और उसका अध्याय 13 और उसके पद 15।
प्राणी 13 और उसके पद 15 यहाँ लिखता है, इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते परमेश्वर के लिए सर्वदा चढ़ाया करें। हम लोग एक बलिदान चढ़ाते लिखता बाय हिम देयरफॉर लेट अस ऑफर द सैक्रिफाइस ऑफ प्रेज टू गॉड कंटिन्यूअली। हम लोग परमेश्वर को एक बलिदान चढ़ाते, शरीरों को तो चढ़ा ही रहे लेकिन इन होठों से भी हम बलिदान चढ़ाते। परमेश्वर हमारे मुंह का बनाने वाला है, मुंह का इस्तेमाल हम लोग दो काम के लिए करते हैं, एक तो खाने के लिए करते हैं, बचपन से यही सीखे, जिंदगी का पहला काम खाने पीने से शुरू किए, और उसके बाद जब कुछ सीख गए तो लोगों से बात करने में हम मुंह इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन जिसने हमारा मुंह बनाया है उसके लिए भी इस्तेमाल करना चाहिए। लोग कहते हैं कि अरे हम तो मन ही मन प्रार्थना कर लेते हैं, परमेश्वर तो मन को समझते ही है तो क्या दिक्कत है। दूसरी प्रकार परिवार में भी लोग हो जाते हैं, अरे माता पिता तो हमको समझते थे, हमको बात करने की क्या जरूरत है, वो जानते हैं कि मुझको कपड़ा चाहिए, मुझे जानते हैं मुझको खाना चाहिए, जानते हैं मुझको पैसा चाहिए, तो देंगे अपना समय, मन को मेरा तो समझते ही, बोलने की क्या जरूरत। फिर पता चला बच्चों और माता पिता के बीच इतनी दूरी हो जाए, माता पिता को शिकायत हो जाए कि बच्चे तो बात ही नहीं करते। तो सिर्फ मनुष्य की बात नहीं, परमेश्वर के साथ भी कई बार ऐसा ट्रीट करते हैं, हम सोचते हैं कि मन ही मन कर लो, अपने मुंह से कुछ नहीं, लेकिन कहा है कि अपने होठों का फल जो स्तुति रूपी बलिदान है वो होठों का फल, हम अपने होठों के द्वारा स्तुति करते हैं, और ये सेवा का हिस्सा है। जब परमेश्वर की स्तुति करते हैं हम उसका धन्यवाद करते हैं, हम कहते हैं कि सचमुच तू दयालु है, सचमुच तू प्रेम करने वाला है, सचमुच तू अनुग्रह करने वाला है, सचमुच तू सर्वशक्तिमान है, हम अपने होठों के द्वारा उसकी स्तुति करते हैं, हम उसको सराहना देते हैं, हम उसकी महिमा करते हैं, उसकी बड़ाई करते हैं, ये हमारे सेवा का हिस्सा है। उसी रीति से ये धन्यवाद जो हम लोग बात कर रहे थे ये भी हमारे सेवा का हिस्सा है कि हम धन्यवाद देते, क्योंकि हम परमेश्वर को और क्या दे सकते हैं, कुछ नहीं दे सकते, जो कुछ उसने दिया उसके एवज में हम उसको कुछ नहीं दे सकते। दो ही चीजें हम लोग उस समय सीख रहे थे दे सकते हैं, और वो ये है, एक धन्यवाद और दूसरा स्तुति दे सकते हैं, स्तुति आराधना। तो हम लोग प्रार्थना के दरमियान इन सारे कामों को करते हैं, हम प्रार्थना में समय बिताते हैं। जब आप इन सारे कामों को करने लगेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये सारे काम करने में आपको बहुत समय लगता है। आगे चलकर मैं आपको एक प्रार्थना का सिस्टम बताऊंगा अगले सप्ताह या उसके बाद वाले सप्ताह, वो मैंने परमेश्वर के एक दूसरे सेवक से सीखा था। लेकिन जब मैंने उस सेवक के उस संदेश को सुना तो मैंने पाया कि जो कुछ परमेश्वर ने मुझको सिखाया था वो मानो बिखरे हुए रूप में था, लेकिन उसको उन्होंने सिस्टम में बता दिया, सिस्टमेटिक ढंग से। तो जो कुछ उन्होंने बताया वो मेरे भीतर से रिफ्लेक्ट करता, मेरे भीतर से भी वही निकलता, लेकिन एक सिस्टमेटिक ढंग से मैं उसको बताऊं। तो उसमें वो सेवक वो बता रहे थे कि जब वो प्रार्थना करते थे पहले, जब वो जवान थे, उनकी पूर्णकालिक सेवकाई है, सिर्फ सेवकाई ही करते हैं, तो वे प्रतिदिन वे 5 घंटे प्रार्थना, और जब वो वचन को प्रचार कर रहे थे तब वो लगभग 70 साल के थे, और वो कहने लगे कि अब मैं उतना ज्यादा प्रार्थना नहीं कर सकता हूँ, 5 घंटे में घुटने नहीं टेक पाता हूँ, तो अब मैं जब 70 साल का हो गया हूँ मैं प्रतिदिन 3 घंटे घुटने टेक कर प्रार्थना करता हूँ। इस बात को बताया, सुन के कितना भारी लगता है 5 घंटे प्रार्थना करना, क्या प्रार्थना करें। लेकिन जब आप इस रीति से प्रार्थना करने लगेंगे तो समय कब निकल जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। और मैं तो इस प्रकार से कहता हूं, ये आप पर कोई दबाव नहीं है, लेकिन उस स्तर को छूने की कोशिश कीजिए कि प्रत्येक विश्वासी ऐसा होना चाहिए, हर विश्वासी को ऐसा होना चाहिए कि कम से कम आधा घंटा तो प्रार्थना कर सके, प्रार्थना का समय वो आधा घंटा दे सके। अगर आप नहीं करते हैं, आप शुरुआत करना चाहते हैं तो आधा घंटा बहुत भारी लगे, बहुत देर प्रार्थना की घड़ी देखी 5 ही मिनट हुआ है, फिर बहुत देर प्रार्थना की है, फिर अब तो जाने का समय हो गया, बहुत सारी बातें आ जाती। लेकिन यदि आप उस जीवन को अनुभव करना चाहते हैं जैसा परमेश्वर ने वचन में दिया है तो कम से कम आधा घंटा प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि 24 घंटा में 23.5 घंटा आप अपने लिए बिताइए,
आधा घंटा जब आप उस समय को व्यतीत करते हैं प्रार्थना में इस रीति से जैसे हम लोग अभी सीख रहे हैं, तो वो आपके लिए पावर सोर्स की तरह हो जाए। मानो आप रिचार्ज कर रहे हैं, सब चीज को रिचार्ज किया जाता है, फोन को भी रिचार्ज करते हैं हम लोग, बिजली से जोड़ते हैं, दिन भर उसको यूज करते हैं, फिर उसको फिर बिजली से जोड़ देते हैं, चार्ज करते हैं। हालांकि हम लोगों को चार्ज करने की जरूरत नहीं, आत्मिक मनुष्य को चार्ज करने की जरूरत नहीं, जो हमारा नया मनुष्य तो है वो ऑलरेडी चार्ज है। यीशु मसीह ने कहा था आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है, तो आत्मा ऑलरेडी तैयार रहता है पर ये जो शरीर है वो करने नहीं देता। तो इस शरीर को हम हटाना चाहते हैं, मन को हम मनाना चाहते हैं, इसलिए हम आधे घंटे कम से कम प्लग इन रहना चाहते हैं और दिन भर के लिए रिचार्ज होगा। हमारे आत्मिक मनुष्यत्व तो वही था, लेकिन हम उस आत्मिक मनुष्यत्व को इस्तेमाल करने की स्थिति में आ गए, हम आत्मिक मनुष्यत्व के हिसाब से व्यवहार करने की स्थिति में आ जाते हैं जब हम आधा घंटा कम से कम अपने आप को जोड़ कर रखते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप इस बात के लिए समय निकालें, ठीक है। यदि मान लिया कि सुबह के समय आपके लिए कठिन है, कि सुबह के समय से ही आपको भाग दौड़ करनी है, 6 बजते ही आपको निकल जाना होता है, सुबह आपको लेट से उठने की आदत है, अगर सुबह के समय किया जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपका मन खाली है, तो आप आदत बना सकते हैं कि आप सुबह 4 बजे उठें या 5 बजे उठें, जैसा आपका समय हो, और कम से कम आधा घंटा प्रार्थना करें और उसके बाद बाकी काम को करने के लिए चले जाएं। यदि आपके साथ नहीं हो सका कि सुबह के समय में, तो ऐसा नहीं है कि परमेश्वर उसके लिए आपको दंड देने जा रहे हैं, लेकिन बेहतर यही होगा, है ना। परमेश्वर जिस तरीके से हम लोगों को रखा है उसमें धमकाता नहीं है, नहीं करोगे तो दंड, नहीं करोगे तो, ऐसा वो हमें प्रोत्साहित करता है। मान लीजिए कि आप नहीं कर पाए, हम जान रहे कि ये मेरी जरूरत है ना, प्रार्थना करना मेरी जरूरत है, तो हमको अपनी जरूरत को पूरी करना चाहिए। आपको अपने मोबाइल फोन को काम में लाना है तो समय निकाल के उसको चार्ज करना पड़ेगा, तो आपको उस आत्मिक स्रोत को जहां पे सारी भरपूरी है उसको काम में लाना है, तो आपको उसके लिए प्रार्थना में आना ही पड़ेगा। तो यदि आप सुबह नहीं कर पाए तो कोई खास समय तो होगा जब आप फ्री होते हैं, उस समय कीजिए, एक समय निर्धारित कीजिए जब आप उसके सम्मुख आ सके, उसके साथ में आप जुड़ सके, उसके साथ में उसको एक्टिवेट कर सके अपने जीवन के, ताकि उसका लाभ ले सके, उस स्थिति में पाए जाए। हम लोग पिछली बार सुन रहे थे आनंदित रहना चाहिए ना, पौलुस प्रेरित आनंदित रहता था, जेल से भी उसने कहा आनंदित रहो, उसका कारण यही था कि वो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था, वो प्रार्थना करता था अपने भीतर, उस स्रोत को देखता था, वहां से एक्टिवेट करता था और आनंद से भरा हुआ रहता था। परिस्थितियां ये नहीं तय करती थी कि वो आनंदित रहे कि ना रहे, लोग भी नहीं तय करते थे, लोग तो उसके साथ बुरा सलूक करते थे, परिस्थितियां उल्टा ही रहती थी, लेकिन वो फिर भी आनंदित रहता था क्योंकि वो अपने भीतर की तरफ देख लेता था। तो हम लोगों को उसी आदत को बना लेना चाहिए अपने लिए कि हम प्रार्थना करें कम से कम आधा घंटा, है ना, फिर कोई लिमिट नहीं है, आगे आप जितना जाना चाहते जा सकते हैं। मैं आपको वो तरीका भी बता दूंगा जिससे आप लंबे समय तक प्रार्थना कर सके, वो आपके लिए बोझ भी नहीं होगा, वो एक आनंददायक समय होगा। आप उसके आनंद को यदि आप नहीं जानते हैं तो मुझे बताना कठिन होगा, यदि आप उस प्रार्थना के आनंद को नहीं जानते हैं तो आपको खुद चख के देखना पड़ेगा, क्योंकि उसके उसके बिना आप नहीं उसको समझ सकते। वो ऐसा है, अगर मुझसे आपको कहा जाए, मान लीजिए आपको कहा जाए कि कोई व्यक्ति जन्म का अंधा है और उस व्यक्ति को समझाइए कि लाल रंग क्या है, तो आप चाह के भी नहीं समझा सकते। पुराने समय की बात है, एक व्यक्ति था जो अंधा था और संदेहवादी भी था, शक्की भी था। सो उस व्यक्ति को कुछ भी दिया जाता था तो पहले जांच पड़ताल कर देता था कि उसको मिला क्या है। तो एक दिन उसको कुछ दिया गया खाने के लिए, तो उसको कहा गया कि ये खीर है, तो उसको खाओ, तो उसने कहा कि खीर क्या है, कैसा होता है, तो उसको कहा गया कि खीर सफेद होता है, तो उसने पूछा कि सफेद कैसा होता है, तो उसको बताया जैसा बगुला होता है, तो बगुला कैसा होता है, तो उसने हाथ से बनाकर बताया कि बगुला ऐसा होता है, उसने हाथ से छू कर देखा और कहा कि ये तो बहुत टेढ़ी खीर है, मुझे ऐसी खीर नहीं करनी, तभी से कहावत निकल गई टेढ़ी खीर होना। तो आप उसको चाह के भी नहीं समझा सकते हैं कि रंग कैसा होता है, क्योंकि उसने देखा नहीं,
और ये आत्मा की बात है, जो प्रार्थना है वो आत्मा की बात है। मैं आपको शरीर में नहीं समझा पाऊंगा, ये मेरे लिए असंभव है। आपको उसके लिए खुद अपनी आत्मा के भीतर जाना पड़ेगा, खुद आपको उस तक पहुंचना पड़ेगा। फिर जब आप उसका आनंद जान जाएंगे, उसका स्वाद जान जाएंगे, तो फिर आप उसके आनंद के कारण आप उसी में मगन रहना पसंद करें। एक ऐसी अवस्था जिसको आप खोना पसंद नहीं करें, आत्मा में रहने का अनुभव, इसको आप खोना नहीं पसंद करें। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि आत्मा में रहो, आत्मा के अनुसार चलो। एक्चुअली अगर आप डिस्प्ले कीजिए गलातियों की पत्री 5वां अध्याय उसका 5:16, तो वहां पे हिंदी बाइबल में जो अनुवाद है और इंग्लिश बाइबल में जो अनुवाद है थोड़ा सा अंतर है। गलाती 5:16 हिंदी में क्या लिखा है आपको मिल गया? पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करो। उसने कहा आत्मा के अनुसार चलो, ठीक है, आत्मा के अनुसार। तो मानो ऐसा है कि आत्मा कुछ कह रहा है उसके अनुसार तुम चलो, लेकिन इंग्लिश में पढ़ते हैं तो वो अर्थ वो नहीं है। और ये इंग्लिश जो है यूनानी भाषा का सटीक अनुवाद है, लिखते हैं दिस आई से देन वॉक इन द स्पिरिट, मतलब आत्मा में चलो, एंड ये शैल नॉट फुलफिल द लस्ट ऑफ द फ्लैश। आत्मा में चलो और तुम शरीर की लालसा पूरी नहीं करोगे। तो जो आत्मा में जो जीवन है, आत्मा में रहने का जो कहने की जो स्थिति है, ये ऐसी है कि इसको खोना नहीं चाहिए। और जब भी आपको लगे कि इसको खो रहे हैं, आप तुरंत प्रार्थना में चले जाएंगे और आप आत्मा में आ जाएंगे। ठीक है, हर काम को करते हुए आत्मा में रह सकते हैं और आत्मा में रहते हुए सारे कामों को कर सकते हैं। और जब आप आत्मा में रहते हैं शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करो। पिछले समय मैं आपको बता रहा था कि एक ऐसी अवस्था हम प्राप्त करते हैं जहां पर हम संघर्ष नहीं महसूस करते। हम ऐसे संघर्ष नहीं महसूस करते कि शरीर हमारा कह रहा है कि ये पाप करो, ये पाप करो, ये पाप करो, और हम अपने आप को मना करें, नहीं 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 मना किया, नहीं करना, हम ऐसा नहीं कर रहे। लेकिन जब आप आत्मा में नहीं है तो ऐसी अवस्था रहती है। जब मन तो समझता है, बुद्धि से हम समझते हैं कि ये गलत है, इसको नहीं करना चाहिए, लेकिन शरीर तो उसी को करने के लिए आपको बाध्य कर रहा है, प्रेरित कर रहा है, तब अपने आप को मना रहे, नहीं नहीं ऐसा नहीं करना। लेकिन ये जो अवस्था आत्मा में चलना, ये ऐसी अवस्था है जिसमें हम ऑटोमेटिक उन सारी बातों से बाहर आ जाते हैं, जिसमें हमको शरीर की लालसा कुछ प्रभाव नहीं डालती, हम उसके ऊपर जयवंत हो जाते हैं। और ये जो आत्मा में चलना, ये प्रार्थना के द्वारा ही हम इस स्थिति में आ सकते, प्रार्थना के दरमियान ही हम उसी अवस्था में हम पहुंच सकते हैं, आत्मा में चल सकते हैं। इसलिए इसको प्रैक्टिस करना जरूरी है। हो सकता है कोई व्यक्ति इस प्रकार से हो जो कहता होगा कि मेरे जीवन में फलानी कमजोरी है, फलानी लत है, फलानी आदत है, मैं नहीं छूट सकता हूं। तो जो भी बातें वो शारीरिक बातें हैं, इसका मतलब है कि वो शरीर में जीवन व्यतीत कर रहा है, इसीलिए शरीर उसको बांध रहा है, उसको शरीर खींच रहा है। लेकिन हमारे लिए स्थिति क्या है, परमेश्वर ने दिया है ऐसा उपाय कि हम प्रार्थना में इस रीति से आए कि हम प्रार्थना में आत्मा में आ जाएं। और जब आत्मा में आ जाएं तो उस स्थिति को हम मेंटेन करेंगे, एक ही बार से नहीं आएंगे। प्रार्थना करना भी एक कला है, सारे लोग प्रार्थना नहीं कर सकते, आपको आदत बनानी पड़ेगी प्रार्थना करने की। करते करते आप उसके आदि हो जाएंगे कि हाँ, फिर आपको अच्छा लगने लगेगा। आत्मा में आना आपके लिए कठिन नहीं होगा, शुरू में आपको आत्मा में आना में बहुत समय लगे। हम आत्मा में आना क्या होता है ये भी एक्सप्लेन करना बहुत कठिन यदि आपने अनुभव नहीं किया, क्योंकि शरीर को उसको बताया नहीं जा सकता कि आत्मा में आना क्या होता है। लेकिन आत्मा में आने का जो प्रोसेस है, इस तरीके से आप जा सकते हैं जो हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं तेफीला के द्वारा, ठीक है, आत्मनिरीक्षण का समय, सेवा का समय, अभी तीसरी बात बाकी है। तो इन सारे कामों को करते हुए आप आत्मा में आ जाएंगे। आपका ध्यान जो होगा वो शरीर से कब का हट जाएगा, वो कब का आत्मा में आ जाएगा, वो परमेश्वर की तरफ आ जाएगा, आ चुकेगा। फिर आपको उसको मेंटेन करना पड़ेगा, फिर एक बार जब वो आदत बना लेंगे उसको मेंटेन करना भी आसान हो जाएगा। फिर दुनिया की बातें प्रभावित नहीं कर पाएंगे, फिर कोई परीक्षा आप पर हावी नहीं हो सकती, कोई शरीर आपको दबाव नहीं डाल सकता है, वो बातें आपके लिए मायने ही नहीं रखी, आप उसके ऊपर जय पा कर रखें। तो परमेश्वर इसी स्थिति को पाने के लिए हम सबसे चाहता है। इसके बाद तीसरी बात जो है प्रार्थना के दरमियान, और वो है सहभागिता या परमेश्वर के साथ में जुड़ा। तेफीला में तीन बातें थी, आत्मनिरीक्षण का समय,
फिर सेवा का समय, और तीसरा सहभागिता का समय या जुड़ाव का समय। अभी तक हम लोगों ने निवेदन नहीं रखा है ना, कुछ भी निवेदन नहीं किया। निवेदन तो आखिरी बात है, अपने व्यक्तिगत जीवन की जो जरूरत है वो तो आखिरी बात है, उसको तो हम लास्ट में लाएंगे। लेकिन अभी हम बाकी सारे कामों को कर रहे हैं, मध्यस्थता सॉरी सहभागिता को हम ला रहे हैं। तो जब हम प्रार्थना कर रहे हैं तो हम अकेले नहीं प्रार्थना कर रहे हैं, ये ध्यान करने से थोड़ा सा अलग हो गया, उसमें थोड़ा जोड़ दिया गया। जो ध्यान किया जाता है उसमें आप अकेले भी ध्यान कर सकते हैं, आप हैं, परमेश्वर का वचन है, आप ध्यान करें। परमेश्वर के व्यक्तित्व से आपको ज्यादा मतलब नहीं भी रहेगा तो भी आप ध्यान कर सकते हैं। लेकिन जब आप प्रार्थना कर रहे हैं तो परमेश्वर एक व्यक्ति है जिसके साथ हम संबंध रखना चाहते हैं। हम लोग इस बात को समझते हैं, यदि आप पारंपरिक रूप से मसीही हैं या मसीह परिवार में हैं तो समझना कठिन नहीं है। हम लोग जानते कि परमेश्वर एक व्यक्ति है, अगर वो एक व्यक्ति है और हम उसके पास में आए हैं तो हम उसके साथ एक सहभागिता, एक संबंध रखना चाहते हैं। और ये सहभागिता ऐसी है, सहभागिता में दो पहलू हैं, इसको हम लोग आने वाले समय में भी सीखेंगे डिटेल से। लेकिन सहभागिता के दो पहलू हैं, उसका पहला पहलू ये है कि हम उसके साथ एक आत्मा हो गए। मैं इस वचन को बार बार कोट करता हूं जो पहला कुरिन्थ छठवां अध्याय पद 17 में लिखा है कि जो प्रभु की संगति में रहता है या उसकी संगति में आ जाता है वह उसके साथ एक आत्मा हो गया। एक आत्मा हो गया अर्थात हम और परमेश्वर का आत्मा वहां पर एक हो गया। अब हम दोनों को अलग नहीं किया जा सकता, हम लोग एक ही पार्टनरशिप हो गए, एक ही थाली के हम लोग खा रहे। मान लो जैसे कोई कंपनी होती है, वहां पर अगर मान लिया दो उसके मालिक तो दोनों की पार्टनरशिप होती है कि जो भी कमाई हो रही है, जो भी लाभ आ रहा है, दोनों में बंटवारा होगा, दोनों उसके हिस्सेदार होंगे, या जो घाटा हो रहा है दोनों ही उसको सहेंगे, तो होती है पार्टनरशिप। उसी प्रकार से ये सहभागिता भी है, जो यूनानी शब्द है वो है कोइनोनिया, हम उसके साथ जुड़ गए। अब हमारा अपना जो है वो उसका हो गया और उसका जो था वो हमारा हो गया, तो हम सहभागिता कर रहे हैं। तो हम परमेश्वर के आत्मा के साथ में एक हो गए। और परमेश्वर किस प्रकार से है, परमेश्वर कौन है, जरा इस बात पर विचार कीजिए। परमेश्वर वो है जिसने सारी सृष्टि को रचा है, जब आदि में कुछ नहीं था उसने सब कुछ को बनाया, और वचन कहते कि उसने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की और सब कुछ जो दिखाई देता है उसको बनाया। जब उन्होंने शुरू में उत्पत्ति की पुस्तक में लिखा था तो वे नहीं समझते थे कि जब इसको बनाया तो वो कितनी भारी बात थी, क्योंकि उनकी समझ से तो सब कुछ छोटे छोटे आसमान में दिखाई देते हैं, सूरज भी छोटा दिखाई देता है, तारे भी मानो नमक के जैसे छिड़क दिए सब्जी में, तो सब कुछ छोटे दिखाई देते। लेकिन सब कुछ असल में बहुत ही कठिन था, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था, पेचीदा था, वे उसको नहीं समझते थे। आज हम लोग समझते हैं, क्योंकि आज के समय में विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है कि हम लोग उस गुत्थी को थोड़ा थोड़ा समझने लगे। हम लोग जानते हैं कि ये सारा ब्रह्मांड एक कुछ खास नियमों के तहत चल रहा है ना। उसी नियम को जब लोग खोजते हैं और नियम के बारे में बताते हैं तो लोग कहते हैं ये फिजिक्स है, धरती अपनी तरफ खींचती है गुरुत्वाकर्षण है ना, बिजली पैदा होती है, अनुपरमाणु, ये सारा कुछ तो कुछ नियम है वहां पर, वो फिजिक्स हो गया। अब फिजिक्स को समझना कोई आसान बात नहीं, सो जिसने फिजिक्स बना दिया प्रैक्टिकल में, अभी तो हम लोग इक्वेशन बना के उसको कॉपी में सॉल्व करते हैं, लेकिन जिसने वाकई में सृजा उसने उतना कॉम्प्लिकेटेड बनाया, सोचिए कितना बुद्धिमान होगा और वो कितना शक्तिशाली होगा। जो बिजली आसमान में चमकती है धरती तक आती है, और जो बिजली हम लोग घरों में यूज करते हैं, दोनों में बहुत अंतर है। उस बिजली के मुकाबले जो हमारी बिजली है वो बहुत कमजोर है, और उसमें इतनी पावर होती, इतनी सामर्थ्य होती कि उतनी बिजली से हम लोग कई दिनों की बिजली जला सकते हैं। और तो और कुछ वैज्ञानिक तो ऐसे निकले जिन्होंने बता दिया कि कोई भी पदार्थ आप यूज करें, ठीक है, मान लिया कि आप एक कागज का टुकड़ा ही इस्तेमाल करें तो इसमें जितना वजन है, जितनी मात्रा से यह बना हुआ है, तो उन्होंने उसका एक साइंस में अगर आप पढ़ेंगे तो आपको इंटरेस्ट आएगा, एक सूत्र उन्होंने दिया, एक फॉर्मूला दिया, आइंस्टाइन उसका नाम था, यहूदी वैज्ञानिक, उसने कहा E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, E मतलब एनर्जी और M मतलब
जितना मटेरियल उसमें लगा है, मास। 80 मतलब प्रकाश की गति, प्रकाश की गति मतलब एक सेकंड में 3 करोड़ मीटर, ठीक है, उतनी रफ्तार से वो यात्रा करती है। तो मान लिया इसका वजन 1 ग्राम है, उसको आप गुना कर दीजिए 3 करोड़ गुना 3 करोड़, तो जितना हुआ उतनी एनर्जी इससे निकल सकती है, समझे? उतनी एनर्जी इससे निकल सकती है। अभी हम लोग सीख नहीं पाए हैं कि निकाले कैसे, लेकिन समझ गए कि उतनी एनर्जी इसके अंदर में है। तो जिसने इन सारे पदार्थों को बनाया वो खुद कितना शक्तिशाली होगा। उसी प्रकार परमेश्वर को सोचिए, इस सब कुछ जो उसने किया वो इतना अद्भुत है, और हम लोग जब उसके साथ एक आत्मा हो गए तो हम लोग उसके साथ सहभागिता रखते हैं। हम लोगों को वो अपनी बुद्धिमानी से बुद्धिमान कर सकता है, अपने सामर्थ्य से सामर्थ्य कर सकता है, अपने बल से बलवंत कर सकता है। तो हम लोग जब सहभागिता की बात करते तो ये बात है कि अब जो शक्ति है वो सिर्फ हमारे शारीरिक शक्ति नहीं है, हमारी सिर्फ अपनी छोटी सी बुद्धि नहीं है, लेकिन हम लोग अनंत स्रोत के साथ में जुड़ गए, अब हम वहां से लाभ ले सकते हैं। लेकिन दरअसल बात यह है कि हम मसीह लोग उस प्रकार के होते हैं जिनके पास खजाना तो होता है गड़ा हुआ, लेकिन उसको जानते नहीं और इस्तेमाल नहीं कर पाते, है ना? सोचिए हम लोग किस स्थिति में ला दिए। दुनिया के सारे लोग परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं और ढूंढ कर उस तक पहुंचना चाहते ताकि वहां से कुछ प्राप्त कर ले, और हम लोग कहां पर हैं? हम लोग ऑलरेडी उसके साथ में आ गए हैं, उसके साथ एक कर दिए गए, लेकिन हम लोगों को मालूम नहीं कि एक कर दिए गए तो वहां से क्या फायदा ले सकते हैं, उससे हम लोगों को क्या लाभ मिल सकता है, हम लोगों को मालूम नहीं, क्योंकि हम लोग सहभागिता करना नहीं जानते। लेकिन वचन तो कहता है कि हम लोग को सर्वश्रेष्ठ यही दिया गया है ना। कई बार जब सुसमाचार प्रचार किया जाता है तो सिर्फ इतना समझते हैं कि स्वर्ग जाना है, नरक से बच जाना है, वो तो छोटा सा पहलू है, छोटी सी बात। स्वर्ग में भी वो परिपूर्णता नहीं है जो परमेश्वर में है। हम लोगों को उससे बड़ी चीज दे दी गई, हम लोग परमेश्वर के सहभागी हो गए। पहला यूहन्ना पहला अध्याय और उसके पद 3 और 4 जरा से देखिए। यूहन्ना इस प्रकार से कहता है कि हम लोग जो सुसमाचार तुम्हें प्रचार कर रहे हैं वो एक खास मकसद से कर रहे हैं, और ये सुसमाचार हमारा बनाया हुआ नहीं है, ये हमारी फिलॉसफी नहीं है, इसको हमने बैठकर विचार करके उत्पन्न नहीं किया, लेकिन ये जो सुसमाचार है इसको परमेश्वर से हम लोगों ने सुना है, इसको हम लोगों ने खुद उस व्यक्ति से सुना है जो जीवन के वचन के रूप में आदि से था, और वो खुद प्रकट हुआ और उसने खुद हम पर इसको प्रकट किया। पहला यूहन्ना और उसका 3 अध्याय और उसके 3 और 4 उसने कहा कि जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो, और हमारी यह सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ। हमारी यह सहभागिता पिता के साथ है, उसके पुत्र यीशु के साथ, इस सुसमाचार के द्वारा, जो सुसमाचार हमने दिया है उस सुसमाचार के द्वारा हम पिता के साथ सहभागी हुए हैं, हम पुत्र के साथ सहभागी हुए, पिता के साथ सहभागी, जिसके विषय में अभी हम बात कर रहे थे कितना अद्भुत है वो, उसके साथ हम सहभागी हुए, पार्टनरशिप हो गया, कोइनोनिया हो गया। अब हम मेरा कौन सा हिस्सा उसका कौन सा हिस्सा नहीं कर सकते, अब हम लोग एक हो चुके हैं, अब वहां से हम सब कुछ ले सकते हैं। लेकिन वहां से सब कुछ लेने के लिए हमको चाहिए कि हम प्रार्थना में उस सहभागिता को घुरे दें, उसको उकसाए, और नहीं तो क्या होगा, सब कुछ रहते हुए भी हम बाहर से कंगाल ही रहेंगे, अभाव में रहेंगे, तड़पते रहेंगे, परिस्थितियों के सताए हुए रहेंगे, शैतान भी दबा के रखे। और नहीं तो अगर हम लोग प्रार्थना करना सीख जाए, सहभागिता करना सीख जाए, तो हम लोग सब चीज के ऊपर हावी हो जाए, क्योंकि परमेश्वर की बात है, ये हमारे बलबूते की बात नहीं, क्योंकि हम सहभागिता के द्वारा परमेश्वर की शक्ति को इस्तेमाल करें, उसकी सामर्थ को इस्तेमाल करें। नहीं, सहभागिता में देखिए परमेश्वर पवित्र है, तो वही पवित्रता उसने हमें शेयर में दी। परमेश्वर आत्मा है, हम भी आत्मा में है, तो जब हम आत्मा में हैं परमेश्वर पाप नहीं करता, परमेश्वर को परीक्षा नहीं किया जा सकता, पाप में नहीं गिराया जा सकता। तो उसी रीति से हम भी उस स्थान पर पहुंच जाते हैं कि आत्मा में चले तो शरीर की लालसा है हम किसी रीति से पूर्ण ना करें, वो हम पर हावी नहीं हो सकती।
वो हमको दबा नहीं सकते। हम लोग एक पद को हमेशा रिपीट करते हैं लास्ट में, जब भी हम लोग इकट्ठे होते हैं किसी सभा में, और वो दूसरा को उनकी पत्री में मिलेगा अध्याय 13 और उसके पद 14, हम लोग उसको कहते हैं। लेकिन वो पद इसलिए नहीं लिखा गया कि हम लोग कभी मीटिंग खत्म होगी तो उसको सबको एक साथ बोले, ठीक है, उस उद्देश्य से नहीं बोला गया। लेकिन वो पद इसलिए लिखा गया था कि वो हमारे जीवन का अनुभव बन जाए, तो हम लोग उसको अनुभव बनाने के बजाय हम लोग ने उसको याद करके उसको तोते की तरह रटना शुरू किया, तो फिर वो अनुभव बनते बनते रह गए। देखिए क्या लिखा है, पहला कुरिन्थ अध्याय 13:14, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे। तुम सबके साथ होती रहे, हम लोग कहते हैं हमारे साथ होती रहे, फिर तो उसमें और कुछ ऐड कर लेते हैं, युगानुयुग होती रहे, अब से सदा होती रहे वगैरह वगैरह। हम लोग चाहते हैं कि हमारे साथ होती रहे, इच्छा प्रकट कर देते हैं, लेकिन वास्तव में वो ऐसा नहीं है कि हम लोग उसको बाहर से वेट कर रहे हैं। वो एक्चुअली हमको दिया गया है पवित्र आत्मा की सहभागिता। यहाँ पर यूहन्ना ने कहा था पिता की सहभागिता हमारे साथ में, पुत्र की सहभागिता हमारे साथ में है, लेकिन वो सहभागिता पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे लिए उपलब्ध की गई। अब ये सहभागिता हमारे साथ होती रहे, जैसे पौलुस को थी, जैसे कुरिन्थवासियों को थी, और ये सदा बनी रहे, तो हम लोग उस सहभागिता का लाभ लेना चाहते हैं, उसका आनंद लेना चाहते हैं। जिसे हम प्रेम करते हैं उसके साथ हम जब समय बिताते हैं तो हमको बहुत अच्छा लगता है, हमको लगता है कि आज का दिन क्या दिन है। अगर हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उसके साथ समय बिताते हैं, तो हमारा प्रतिदिन का जीवन ऐसे ही होगा। हम कहेंगे कि आज का दिन क्या दिन है। जब ऐसा नहीं होता है तो लोग अपने अपने हिसाब से बात करते हैं और कहते हैं कि बचपन के दिन कितने अच्छे थे। वो अच्छा कैसे हो सकता है जब आप परमेश्वर को जानते भी नहीं थे, समझते भी नहीं थे। तो कहते स्कूल के दिन कितने अच्छे थे। वो अच्छा कैसे हो सकता है जबकि आप उस समय परमेश्वर को वैसा नहीं समझते थे जैसा आज आप समझते। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ऐसा कह रहा है, इसका मतलब है कि ना तो उसने उस समय परमेश्वर को ठीक से जाना समझा, ना तो अभी जानता है, दुनिया को सांसारिक रीति से देख रहा है। लेकिन हम अपने लिए आज कहते हैं कि आज का दिन हमारा सर्वश्रेष्ठ, जो पिछला हमारा अनुभव था उससे बेहतर आज हमारा अनुभव है। धर्मियों की चाल चमकती हुई ज्योति के समान है, जो दोपहर के प्रकाश के समान अधिक और अधिक होता जाता है। इनकी वचन की पुस्तक में ऐसा लिखा है, धर्मियों की चाल, हम लोग धर्मी ठहराए गए, वो चमकती हुई ज्योति के समान, जैसे सूरज सुबह में उगता है तब उसकी उसकी जो रोशनी होती है थोड़ी धीमी पड़ती है, धीमी दिखाई देती है, और जब तक दोपहर होता है उसकी रोशनी तेज हो जाती है। तो हमारा जो जीवन है, धर्मी का जो जीवन है, वो ऐसे ही है, इसी स्टैंडर्ड का मान रखा गया कि बढ़ता 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 ही चला जाएगा, है ना। अब इसमें लोग अपने से ऐड कर लिए, वचन तो इतना ही लिखा है, उसमें लोग अपने से ऐड कर लेते, फिर सूरज ढलेगा भी तो आप खुद से जोड़ रहे हैं। वहां लिखा नहीं है, वहां लिखा है कि वो बढ़ता जाएगा, चमक बढ़ती जाएगी। तो हमारा जीवन है वो जितना कल जितनी चमक थी उससे बेहतर आज हो जाएगी, और इससे बेहतर कल, उससे बेहतर परसों, वो बढ़ता ही चला जाएगा। वो कैसे बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि जितनी समझ हम कल रखते थे उससे बेहतर समझ हम आज रखेंगे, जितनी सहभागिता का लाभ हम कल लेना जानते थे आज हम उससे बेहतर जानेंगे, जितनी परमेश्वर की समझ कल थी उससे बढ़ जाएगी। तो ये प्रार्थना के द्वारा होगा कि हम प्रार्थना में आए तो सहभागिता में हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें हम घुस जा रहे हैं, हम उसकी गहराई को जानना चाहते हैं, क्योंकि परमेश्वर अनंत है, उसकी गहराई को हम नहीं जान सकते कि हम बैठे और तुरंत जान गए, ओ परमेश्वर को समझ गए, अनंत। हम एक तरफ से शुरू करें और चलते चले जीवन भर हम करते रहे, हमको ज्यादा से ज्यादा मिलेगा लेकिन और बाकी रह जाएगा बहुत कुछ। तो हम उस गहराई में उतर जाना चाहते हैं, मानो समंदर की तरह कि हम उतर गए तो हम समंदर को जान गए इसी बात, लेकिन हम जितना आगे बढ़े उतना ही ज्यादा और उसको जाने, सो उतना ही ज्यादा हमारा जीवन और उत्तम होता चला जाए। हम लोग जब स्टार्ट किया था हमने कहा था परमेश्वर ने एक वचन को कहा है कि यीशु मसीह किस रीति से काम कर रहा है, अपने वचन के द्वारा कलीसिया को तेजस्वी करके शुद्ध करके पवित्र बनाए, अपने पास खड़ी करे, इसमें ना कलंक ना जुड़े ना ऐसी कोई वस्तु, तेजस्वी करे, इंग्लिश में लिखा है ग्लोरीफाई करे, ग्लोरियस चर्च बनाए, महिमा में बनाए, जिसमें से तेज निकलता हो, जिसमें से तेज दिखाई देता हो,
मूसा जब पहाड़ पर से उतरा था 10 आज्ञाओं को लेकर, उसके चेहरे पर से तेज निकल रहा था, लेकिन वह तेज खत्म हो गया। उसने तो बुर्का पहन लिया है ना, क्योंकि लोग नहीं देख पा रहे थे। और पौलुस कहता है कि वो इसलिए भी बुर्का ढक लिया ताकि लोग उस घटने वाले तेज के अंत को ना देखे, कि वो खत्म हो गया। लेकिन हमारे लिए वो तेज किस प्रकार से है कि वो बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो असल बात यह है कि हम लोगों ने उस बढ़ते जाने वाली बात को कभी ध्यान नहीं दिया। हमने सोचा कि प्रार्थना करना मतलब अपने दैनिक जरूरत, जो शारीरिक जरूरत है, उसके लिए मांगना है। हमको मालूम नहीं पड़ा कि प्रार्थना करने में सहभागिता भी आती है, कि जब हम उस सहभागिता में गहरे में उतरेंगे तो वो तेज बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। लेकिन इस अंतिम समय में कलीसिया को चाहिए कि उस सहभागिता में अपने आप को डुबा दे, उस सहभागिता में गहराई में उतर जाए, ताकि जो परमेश्वर जिसके विषय में हम बात करते हैं, परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर धर्मी है, परमेश्वर सामर्थ्य है, परमेश्वर बुद्धिमान है, तो वो सिर्फ हमारे शब्द न रहे लेकिन वो हमारे अनुभव बन जाए, कि हम सचमुच कह सके कि हाँ वो है, हम अपने अनुभव से जानते हैं, हम उसको महसूस करते हैं। सिर्फ शब्द ना रहे, वो हमारी वास्तविकता बन जाए, तो ये हमारी प्रार्थना से शुरू होते हैं। हम उसकी सहभागिता में गहराई में उतरते हैं और परमेश्वर को और ज्यादा समझते जाते हैं और उसकी महिमा करते हैं। अब इन सब के बाद में ये तीन बातें हो गई है ना, तेपीला में तीन बातें आती थी, आत्मनिरीक्षण, सेवा और सहभागिता। अब जब हम परमेश्वर के पास में आ ही गए हैं तो हम अपनी जरूरतों को भी रख सकते हैं परमेश्वर के सामने। लेकिन जब मैं इन बातों को समझता हूं और उसके बाद जब मैं किसी जरूरत के लिए सोचता हूं कि मैं कैसे क्या प्रार्थना करूं, तो मुझे पता नहीं चलता कि मैं क्या प्रार्थना करती, क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझे प्रार्थना करने की जरूरत ही बाकी नहीं रही अपने लिए, है ना, क्योंकि उसने कह दिया सब कुछ तुम्हारा है, क्या जगत, क्या जीवन, और यहां तक कि खुद परमेश्वर हमारा है। तो मुझको जो बुद्धि चाहिए थी वो मुझको कोइनोनिया के द्वारा मिल चुकी, उस तक मेरी पहुंच है। मुझको जो सामर्थ चाहिए थी, जो युक्ति चाहिए थी, वो भी कोइनोनिया के द्वारा उस तक मेरी पहुंच है। सब कुछ तक मेरे पहुंच, वर्तमान मेरा है, भविष्य सब कुछ हमारा है, मांगने के लिए कुछ बाकी नहीं बचा है? लेकिन अगर आप इस बात को उसकी समझ तक नहीं पहुंचे तो आपको लगेगा नहीं नहीं हमारा तो बहुत कुछ है लिस्ट में जिसको हम मांग सकते हैं, ठीक है। जब तक आप उस समझ को नहीं डेवलप किए हैं तब तक आप जरूर मांग सकते हैं, लेकिन जब आपकी समझ डेवलप हो जाती है उस प्रकार, आप खुद अनुभव करेंगे कि अब मांगने को कुछ रहा नहीं। अब जो दिया है हम ये जानना चाहते हैं कि हम उसको कैसे काम में लाएं। अब हम और कुछ, हम ये नहीं कहना चाहते हमारे पास नहीं है और हमें और चाहिए। हमने जान लिया कि हमारे पास पर्याप्त है, बस हम उसको इस्तेमाल करना नहीं चाहते। अब हम उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं, उसके लिए गहराई में उतरना चाहते हैं, काम में लाना चाहते हैं, तो मांगने को कुछ बचा नहीं अपने लिए। फिर भी आपकी आवश्यकता के अनुसार आप निवेदन कर सकते हैं, क्योंकि हर प्रकार के, हर स्तर के लोग हो सकते हैं। इसलिए प्रेरित पौलुस ने कह दिया था कि तुम्हारे निवेदन प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख प्रस्तुत किए जाए। तो हमारे निवेदन हो सकते हैं, व्यक्तिगत जीवन की निवेदन हो सकते हैं, तब आप उन सबको आप थोड़ी देर में मांग सकते हैं। तो यीशु मसीह ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया था। उन्होंने पूछा हम कैसे प्रार्थना करें, उसने कहा तुम प्रार्थना करो तो कहो हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए। और जो व्यक्तिगत जरूरत के लिए मांगना था, शरीर के लिए मांगना था, वो सिर्फ एक वाक्य में था, हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे, बस। बाकी चीजें परमेश्वर से रिलेटेड मांग रहे हैं, आत्मिक बातों से रिलेटेड बातें कह रहे हैं। तो हमारी व्यक्तिगत जरूरत के लिए लंबा लिस्ट बनाने की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह ने कहा था जब तुम प्रार्थना करो तो अन्य जातियों के समान बकबक मत करो, क्योंकि तुम्हारे पिता को मालूम है कि तुम्हें क्या चाहिए, तुमको उसको कन्विंस करना नहीं है, है ना। कई बार हम लोग प्रार्थना करते तो कन्विंस करते हैं परमेश्वर को, परमेश्वर को कन्विंस करने की जरूरत है। परमेश्वर को समझ में नहीं आ रहा है या परमेश्वर नहीं देना चाह रहा है, कई बार लोग इसी मेंटालिटी के हो जाते हैं। निवेदन में दो बातें आती, व्यक्तिगत निवेदन और दूसरा हम दूसरे के लिए निवेदन करते हैं। जब आप इस बात को सीख जाएंगे तो आपके दूसरे के लिए निवेदन करना आसान हो जाएगा। प्रेरित पौलुस ने हमेशा दूसरे के लिए निवेदन किया। उसने क्या क्या प्रार्थना की, गलात इफिसियों की पत्री में उसने प्रार्थना की 1 अध्याय 15 से आगे, कि मैं प्रार्थना करता हूँ
कि परमेश्वर अपनी पहचान में तुम्हें ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे, तुम्हें ज्ञान और प्रकाश की आत्मा, वो अपने खुद प्राप्त कर चुका था, वो चाहता था इफिसुस के लोग भी प्राप्त करें, उसी प्रकार उसने कुलुसी के लोगों के लिए प्रार्थना किया, वो मध्यस्थता करता था, उसी प्रकार उसने तीमुथियुस से कहा कि राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के लिए प्रार्थना कर, मध्यस्थता कर। तो जो लोग अपने लिए प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं, जो लोग उस जरूरत को नहीं देख पा रहे हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। तो दो प्रकार की प्रार्थना हो जाती है, निवेदन निवेदन हो जाते हैं, एक है जो हम अपने व्यक्तिगत जरूरत के लिए निवेदन करते हैं, और दूसरा हम औरों के लिए निवेदन करते हैं, जिनके लिए निवेदन करने वाला कोई नहीं है या जिनको उस आवश्यकता की समझ भी नहीं है। जैसे इफिसुस के लोगों को समझ नहीं थी कि उनको ज्ञान और प्रकाश की आत्मा चाहिए, तो इसलिए पौलुस उनके लिए प्रार्थना कर रहा है, तो हम दूसरों के लिए प्रार्थना करें, दूसरों के लिए निवेदन करते हैं। लेकिन कई बार क्या हो जाता है कि लोग नहीं समझते हैं कि परमेश्वर क्यों प्रार्थना करने के लिए कहता है। उस समय पहले की बात है, एक बहन ने मुझसे पूछा कि परमेश्वर का आत्मा जब मुझसे बातचीत करता है तो मुझको क्यों कहता है कि तुम फलाने विषय के लिए प्रार्थना करो। या उसका सवाल इस प्रकार से था, परमेश्वर तो सब कुछ कर ही सकता है, खुद ही कर सकता है, तो प्रार्थना करने के लिए क्यों कहता है? तो मैंने उस सवाल पर विचार किया, मैंने परमेश्वर से पूछा, और मुझे जो जवाब मिला वो ये है कि परमेश्वर ने सारे अधिकार ऑलरेडी तय कर दिए। स्वर्ग तो यहोवा का है, परंतु पृथ्वी उसने मनुष्य को दी। और बाइबल में भी लिखा है कि इनके लिए प्रार्थना करो, उनके लिए भी प्रार्थना करो। क्यों प्रार्थना करने के लिए कहते हैं? क्यों डायरेक्ट काम नहीं कर लेता? अगर प्रार्थना करो बोल रहा है, इसका मतलब परमेश्वर की इच्छा भी होगी दिया जाए, तो क्यों नहीं डायरेक्ट देता? बीच में एक व्यक्ति प्रार्थना क्यों करे? वो इसलिए क्योंकि पृथ्वी उसने मनुष्यों को दी है, तो मनुष्य को पृथ्वी पर अधिकार है। पृथ्वी पर कुछ भी हो तो परमेश्वर को काम करने के लिए एक मनुष्य को सहारा लेना है। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि यहां पृथ्वी पर कोई मनुष्य मध्यस्थता करे कि यहां पर प्रभु आपका काम होने पाए। वो जब प्रार्थना करता है, किसी के लिए निवेदन करता है, तो मानो परमेश्वर के लिए वो अधिकार खोल देता है। जो मनुष्य का अधिकार है उसके तहत परमेश्वर डायरेक्ट हस्तक्षेप नहीं करेगा, क्योंकि अधिकार उसी ने दिया है। सिर्फ न्याय के समय वो हाथ लगाएगा, बाकी समय जब वो काम करता है तो मनुष्य के अधिकार को अतिक्रमण किए बिना काम नहीं करता, वो उसको साथ में लेकर काम करता है। तो हम अपने जो हमको व्यक्तिगत अधिकार है, जिन लोगों पर हमको अधिकार है, उन लोगों पर अपने अधिकार को प्रकट करते हैं और कहते हैं कि प्रभु उन लोगों के जीवन में काम कीजिए, तो प्रभु उनके जीवन में काम करता है, क्योंकि तब एक अधिकार का क्रम बन जाता है। तब अगर शैतान परमेश्वर को कहेगा कि तूने तो पृथ्वी मनुष्यों को दी है, अब कैसे तू डायरेक्ट हस्तक्षेप कर रहा है, तो ऐसा करे इसलिए तो धर्म ही नहीं है, ऐसा नहीं बोल सकता। परमेश्वर का जवाब यही रहेगा कि जिस मनुष्य को मैंने अधिकार दिया है उसी ने मुझे निमंत्रण दिया, उसने मुझे ऐसा करने के लिए कह दिया, उसने अपने अधिकार के तहत मेरे लिए रास्ता खोल दिया। अब तू कौन होता है बोलने वाला? तुमको अधिकार नहीं होता, इसलिए वो प्रार्थना करने के लिए कहता है। तो हम लोग इसीलिए प्रार्थना करते हैं लोगों के लिए, इसलिए निवेदन करते हैं, इसलिए हमारी प्रार्थना उनके लिए काम करती है जो लोग हम लोगों से जुड़े हुए हैं, जो जिन लोगों तक हमारा अधिकार पहुंचता है, हम उनके लिए मध्यस्थता करते हैं, मांगते हैं। उसका मतलब ये नहीं होता है कि परमेश्वर को उन पर दया नहीं आ रही है। कई बार लोग इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु उस पर दया कर, मानो लग रहा है कि परमेश्वर तो सिंहासन पर बैठ कर चुपचाप पड़ा हुआ, कठोर बन के बैठा हुआ है, अब परमेश्वर से ज्यादा दयालु हम हो गए हैं, अब परमेश्वर दया नहीं करना चाह रहा है, और हम करें प्रभु तो दया कर, तो नहीं दया करेगा तो मर जाएगा, नहीं दया करेगा तो ये होगा। आप अपने आप को क्या समझ रहे हैं? आप ज्यादा दयालु हैं, परमेश्वर कठोर है। परमेश्वर दयालु है, उसी ने आपके अंदर दयालुता को दिया है। अगर आप किसी विषय पर बोझ महसूस करते, किसी व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते, निवेदन करते हैं, और उस व्यक्ति के लिए कहते कि प्रभु तो ऐसा कर, आपको बोझ महसूस होता है, उसके जीवन में ऐसा होना चाहिए, तो जानते हैं उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि परमेश्वर को खुद उसकी फिक्र है, और इसीलिए उसने आपके अंदर वो बोझ उत्पन्न किया है ताकि आप बीच में मध्यस्थता करने के लिए उस बोझ के साथ मध्यस्थता कर सके और परमेश्वर काम कर सके, परमेश्वर को रास्ता मिल जाए। परमेश्वर रूठा हुआ नहीं है, परमेश्वर आपसे मुंह मोड़ा हुआ नहीं है कि आपको उसको चारों तरफ से चिल्ला चिल्ला के बार बार दुहाई दे देकर कन्विंस करना पड़े कि प्रभु कीजिए कीजिए कीजिए, और बात से तंग आकर लो ऑलरेडी देना चाहता है, ऑलरेडी दे चुका है, बल्कि
लेकिन वो चाहता है कि हम और आप काम आए उसके लिए, इसलिए वो प्रार्थना करने के लिए कहता है। तो इस रीति से आप प्रार्थना करें। हम लोग बाकी जितने काम करते हैं सारे काम लगभग शरीर में करते हैं, लेकिन जो प्रार्थना का काम है इस काम को हम लोग आत्मा में करते हैं, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है। और आत्मा में करते हैं तो हम शरीर को भी चाहते हैं कि शरीर भी आत्मा के अनुसार काम करे। मैंने इस बात को सीखा कि प्रार्थना करना अद्भुत है। तो जब चाहो तब प्रार्थना करो, कितने आनंद की बात है, कितना मजा आता है। जब आंख बंद करो आप वहां गहरे उतर जाते हैं और आनंद में गोते लगाते हैं, कितना अच्छा लगता है। सो जितना अधिक आप प्रार्थना कर सके उतना अच्छा है। मैंने इस बात को सीखा कि प्रार्थना कितनी बार करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो मैंने कहा कि सुबह का समय सबसे अच्छा होता है, जब आप किसी भी दूसरे काम को करने से पहले आप बैठे परमेश्वर के साथ। और दिन भर क्या करें, दिन भर काम करें फिर रात में जाकर सो जाएं। लेकिन ये प्रार्थना ऐसी है, ऐसी बात है कि इसको जितना अधिक किया जाए उतना अधिक उसके आनंद को आप महसूस कर सकते हैं, उतना अधिक आप आत्मा में रह सकते हैं। लेकिन हर बार आप प्रार्थना नहीं कर सकते कि दिन भर में समय निकाल रहे हैं, काम को पेंडिंग करके समय निकाल रहे हैं, ऐसी बात नहीं। चलते फिरते भी कई बार हम लोग प्रार्थना करते हैं और वैसे ही प्रार्थना करनी चाहिए। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था स्मिथ विगल्सवर्थ, और परमेश्वर ने उनके जीवन से बहुत सामर्थ्य के काम किए। उनके जो जीवनी लिखने वाले हैं उन्होंने बताया है कि उन्होंने इतने सामर्थ्य काम किए कि उनके सेवकाई के दरमियान 14 मुर्दा लोग जिंदा होते। तो किसी ने उसको सवाल किया कि आप कितनी देर प्रार्थना करते हैं, कैसी प्रार्थना करते हैं, क्योंकि सब समझते हैं कि उनके जो स्रोत का रहस्य है प्रार्थना में ही छिपा है, उनकी प्रार्थना। तो लोग जानना चाहते थे कि वे कैसे प्रार्थना करते हैं। उनको पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया, वो ये था, मैं कभी भी आधे घंटे से ज्यादा बिना प्रार्थना के नहीं रहता हूं। मतलब अभी 7 बजा है, अभी मैंने प्रार्थना की, 7:30 बज गया और मैंने प्रार्थना नहीं की, ऐसा नहीं होगा। 7:30 जब बज गया उसके पहले एक दफा जरूर मैं परमेश्वर की तरफ रुख कर लूंगा। फिर आधे घंटे होने से पहले 15 मिनट में हम रुख कर लिए, कोई बात नहीं। लेकिन इसके पहले कि समय ज्यादा बीते हम फिर परमेश्वर की तरफ रुख कर लिए। हमारे पास दिन में बहुत समय रहता है खाली समय। कई बार ऐसा होगा कि आप आधे घंटे आपको दूसरी तरफ ध्यान देना है, अगर आप नहीं देंगे तो आप नहीं कर पाएंगे, नहीं कर सकते। लेकिन हमारी जो आदत होनी चाहिए वो ये है कि जब भी हमको मौका मिला हम परमेश्वर की तरफ मुड़ गए। हमको बहुत सारी चीजों से पीछा छुड़ाना पड़ेगा इस काम के लिए। कई बार क्या होता है कि खाली बैठे हैं तो अब हमको टाइम पास नहीं हो रहा, टाइम पास करना है। तो हम लोग टाइम पास करने के लिए अपने आप अपने साथ एक हथकड़ी रखते हैं कि हम लोग इसमें उलझ चुके हैं, तो हमको उसका समय ही नहीं मिलता है कि प्रार्थना कर सके, है ना। लेकिन जैसे ही हमको समय मिला इसको जब जरूरत है तब हम इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जब जरूरत नहीं है तो ये अपनी जगह पर है। हम परमेश्वर की तरफ मुड़ रहे हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं। मैंने इसको ऐसे समझा, पवित्र आत्मा ने इस रीति से सिखाया कि प्रार्थना मानो एक दीवार की तरह है, एक बाउंड्री वॉल की तरह है। जब हम लोग अपने घरों अपने जो दीवार जमीन के चारों तरफ लगाते हैं, और जो दीवार है दीवार में भी सारी चीज प्रार्थना नहीं है। हम लोग बहुत सारी एक्टिविटी करते हैं लेकिन उसमें कई बार हम लोग पिलर बनाते हैं, ठीक है, 10-10 फुट पे 15-15 फुट पे पिलर बनाते हैं, फिर उसको बीच में ईंट से जोड़ते हैं। अगर पिलर 10 इंच के का बना है तो बाकी 5 इंच की दीवार है काम चल जाती है, क्योंकि पिलर ने उसको पकड़ के रखा है, मजबूत है। जैसे ये भी जो घर बना हुआ है, ये इस जगह को आप देखिए तो आप पाएंगे कि यहाँ बहुत सारे पिलर है, कोने में पिलर है, इधर पिलर है, उधर पिलर है, इधर बीच बीच में जगह जगह पिलर है। और जो दीवार है वो कितनी मोटी दीवार है। अगर आपको यहाँ पर अथॉरिटी मिले तो कभी दीवार को खोद कर देखिए, इजाजत मिले, आप पाएंगे कि एक ईंट की दीवार है। सारे बिल्डिंग ऐसे ही बनते हैं, बस जो पिलर है उसको मजबूत बनाते हैं और एक ईंट की दीवार बनाकर रखते हैं कि आप इधर से मारेंगे तो लगेगा कि उधर गिर जाए, लेकिन फिर भी घर मजबूत बना हुआ। क्यों? क्योंकि जगह जगह पर पिलर है। सो वहां पर से वहां तक में आपको 4 से 5 पिलर मिल जाएंगे।
सो क्या होगा अगर वहां से वहां तक सिर्फ एक ही पिलर हो और एक ईंट की दीवार हो? कोई भी आएगा और एक लात मारेगा तो दीवार के साथ वो भी बाहर चला जाएगा, है ना? तो जो पिलर था उसने उसको मजबूती प्रदान की। उसी प्रकार हमारी प्रार्थना भी है, दिन में 24 घंटे होते हैं, हम लोग आधे घंटे की लगातार की प्रार्थना तो जरूरी है, वो तो करना है, वो तो हम करेंगे, लेकिन बाकी जो समय है उसको हम यूं ही जाने नहीं देंगे। जब भी हमको मौका मिला हम वहां पर एक प्रार्थना का पिलर बना लेंगे। फिर जब भी कुछ समय बीता हमने दूसरा काम किया, फिर कुछ समय के बाद हमने प्रार्थना का पिलर खड़ा कर लिया, तो जो हमारा जीवन होगा इतना मजबूत डिफेंस सिस्टम की तरह हो जाएगा कि वहां पर शैतान की कुछ दाल नहीं गलेगी। ठीक है, क्योंकि हम लोग आत्मा में रहने की प्रैक्टिस कर चुके हैं। अब जो भी बातें आएंगी उसको हम अपनी आत्मा से डील कर सकते हैं, जो भी परिस्थिति आएंगी उसको अपनी आत्मा से डील कर सकते हैं और वहां पर हावी हो सकते हैं, जय पा सकते हैं। हमारी शहरपना मजबूत बनी है, वो परमेश्वर की सहभागिता से बनी हुई है, और जो भी एक्टिविटी हम कर रहे हैं उसमें परमेश्वर के सामर्थ्य बीच बीच में झलक रही है, और चाहे वो एक ईंट की भी क्यों ना हो वो मजबूत रही। हालेलुया। इसलिए प्रार्थना जरूर कीजिए, जिस तरीके से आज आपने सीखा है प्रार्थना करना, आप उस रीति से प्रार्थना कीजिए। आप निश्चय इस बात को स्मरण रखिए कि जब आप प्रार्थना करते हैं तो ये प्रार्थना मांगना नहीं है, ये प्रार्थना हमारे अपने आप को, हमारा जो व्यक्तित्व है उसको आत्मा में ला देने की स्थिति। हम आत्मा में आना चाहते हैं, आत्मा में समय बिताना चाहते हैं, आत्मा में स्थिर रहना चाहते हैं, और परमेश्वर उस आत्मा में रहने के द्वारा हम लोगों को दृढ़ और मजबूत करेगा, हमारी जरूरतों को पूरी करेगा। परमेश्वर आपको आशीष। सहभागिता में हम लोगों ने दो रेफरेंस देखा था, पहला था पहला यूहन्ना पहला अध्याय उसका 3 और 4, और दूसरा रेफरेंस हमने देखा था दूसरा कुरिन्थ और उसका अध्याय 13 और पद 14, जिसको हम लोग हमेशा दूर आते हैं, और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ होती रहे। सो परमेश्वर अनुग्रह करे, आइए हम लोग प्रार्थना। पिता, इस घड़ी हम आपकी तरफ मुड़ते हैं और हम आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि तूने हमारे जीवन में इतनी भलाई की है कि हम जब अपनी तरफ भी देखते हैं तो हम तेरा ही धन्यवाद करते हैं। जब अपनी तरफ गौर करते हैं तो पिता हम कराहते नहीं हैं, हम लाचार अभाव में अपने आप को नहीं देखते, लेकिन हम भरपूरी को देखते हैं, क्योंकि तूने यीशु मसीह के द्वारा हमें वो भरपूरी दी है, और इसके द्वारा हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता, क्योंकि जो जो जीवन तूने हमें दिया है वो ऐसा जीवन है जिसको हम खुद बना नहीं सकते थे, जिसको कोई दूसरा मनुष्य बनाकर हमें नहीं दे सकता था, उसको तूने खुद हमारे लिए बनाया, जो अपने सृजनहार के समान तौर स्वरूप में है और जो ज्ञान के द्वारा रिन्यू होता चला जाता है। पिता, हम धन्यवाद करते हैं उस आत्मिक मनुष्यत्व के लिए, उस आत्मिक जीवन के लिए, और हम चाहते हैं कि उस आत्मा में हम हमेशा रहें ताकि आपकी सहभागिता को निरंतर महसूस करने पाए। पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, क्योंकि तू सचमुच महान है, तू स्तुति की योग्य है, तू आराधना की योग्य है। जो कुछ भी हम तेरी बड़ाई के लिए कहें वो कम है पिता, और जितना भी हम कहें वो कम है, इसलिए हम हमेशा कहेंगे, हम प्रतिदिन कहेंगे और तेरी महिमा करेंगे, क्योंकि तू वास्तव में ऐसा है जिसकी सराहना होनी चाहिए, जिसको प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए, जिसको आदर मिलना चाहिए, जिसका सम्मान होना चाहिए। हम धन्यवाद करते हैं, हम तेरे अनुग्रह को महसूस करते हैं, तेरे प्रेम को महसूस करते हैं, तेरी दया को महसूस करते हैं। हम धन्यवाद करते कि तूने अपने आत्मा के द्वारा हमें एक कर दिया है। तू सर्वशक्तिमान है, तू सब बुद्धि रखने वाला है, तू सब ज्ञान रखने वाला है, और हमारे साथ तेरी कोई नोनिया है। पिता, हम धन्यवाद करते उस सहभागिता के लिए, हम उस सहभागिता के आनंद को महसूस करते हैं पिता। अब मैं प्रार्थना करता हूँ इन सारे प्रियों के लिए, इनके लिए तू सहायता कर ताकि वे उस सहभागिता के आनंद तक पहुँच सकने पाए, वे उसकी गहराई में उतर सकने पाए, उसमें गोते लगा सकने पाए, उस प्रेम की लंबाई और चौड़ाई और गहराई और ऊंचाई को समझ सकने पाए पिता, और परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण होते चले जाए। और पिता, जिस आनंद को मैं शब्दों में बयान नहीं कर सका, जिनको शरीर की बातें नहीं है, हमारी भाषा में उसके लिए शब्द नहीं है और समझाने के लिए समझ नहीं है, पिता उसको तो अनुभव करने में इनकी मदद कर, ताकि जो बातें हम यहाँ पर सीखते हैं वो सिर्फ शब्द मात्र न रहे, लेकिन वो हमारे व्यक्तिगत जीवन का अनुभव बन जाए, इनके व्यक्तिगत जीवन का अनुभव बन जाए, और जितने इनके संपर्क में आते हैं ये उनको उन तक पहुंचा सकने पाए। पिता, आने वाले दिनों में भी प्रार्थना के विषय में और भी बातों को हम सीखेंगे,
उसकी गहराई को उतरने में हमारी सहायता कीजिएगा, उसकी गंभीरता को समझने में हमारी मदद कीजिएगा। सारी महिमा और आदर हम आपको देते हैं, प्रार्थना यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम मांगते हैं, आमीन। Thank you.